ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैनेजिंग एसी लिनक्स सिक्योरिटी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे पूरा एसी लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसी लिनक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, आपके सिस्टम में कौन कौन सी इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है। तो एसी लिनक्स क्या है, एक आपके सिस्टम की एक इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है जिसका काम क्या होता है कि बाई चांस आपने गलती से कोई परमिशन किसी फाइल को दे दी, फुल परमिशन, तो कोई बंदा क्या कर सकता है, यूज कर सकता है उसको, बट आपने तो दे दी परमिशन, बट ऐसे लिनक्स बाय डिफॉल्ट उसको परमिशन नहीं देता, किसी भी चीज को नेटवर्क के अंदर यूटिलाइज करने की परमिशन नहीं होती है। और ये इसको रोकता कौन है, इसको ऐसे लिनक्स रोकेगा आपका। इट मीन्स ऐसे लिनक्स आपकी इनबिल्ट सिक्योरिटी है लिनक्स की बाय डिफॉल्ट, ये हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहेगी। इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ से इन लाइन देखिए, इसमें हर लाइन का अपना अपना मतलब है। इन लाइंस को पढ़ते हैं क्योंकि आप घर पे आके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं है, तो आप सही से बताना सब लोग घर पे आके, कौन कभी भी बुक उसने जो मैंने दी है या को आपके जो नोट्स मिले हैं कितना पढ़ते हो, अभी तक जितने भी क्लासेज हुई हैं उसमें आप ईमानदारी से बता देना। ऐसे तो स्टार्ट किया था। ऐसे तो आपने स्टार्ट किया, घर पे आके पढ़ते हो रवि, मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे कभी देखते हो या नहीं, या जब कभी देख लेते हो पढ़ते हो, मैं कि पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि बुक को देख करके आपने कभी पढ़ा है कि सर आज ने आज आप सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था या ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो मैं तो उससे थोड़ा सा पहले देख लूँ थ्योरी। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो हो सकता है कि एक बार को आप करते भी होंगे, मैं थ्योरी वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ है आपके साथ, पढ़ते हो अनुराग, नहीं दीपक, ये सर कभी कभी चलिए ठीक है पढ़ते हो, गीतू आप पढ़ते हो, सर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाते हो, मतलब भूल कोई दिक्कत नहीं। वो पढ़ने का मतलब क्या होता है कि पढ़ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है और जिसको जिस पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वहां पे वो बड़ी ध्यान से देखता है, एक एक चीज रन देखेगा, या कुछ और किसी को इंटरेस्ट है किसी किसी चीज में तो वो उसको ध्यान से पढ़ेगा। उसी तरह से हमारा होता है कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा सा हम ध्यान से, बट फिर भी रीडिंग जैसा कम से कम आप कर लोगे उतना काफी है आपके लिए। अगर आपने ये भी देख लिया ना कि कल मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, केवल आपने बस बुक को पलट लिया, तो वो होता है फर्स्ट स्टेप। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो मैं जहाँ से पढ़ाऊंगा या जो पढ़ाने वाला हूँ या जो आप पढ़ने वाले, पहले पूरा चैप्टर एक बार शुरू से लेकर अंत तक जहाँ तक खत्म हो रहा है एक बार देखो उसको, पढ़ना नहीं आपको केवल पलटने पेज को, पहला स्टेप हो गया, उससे आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी, अच्छा इसमें ये चीजें हैं, बस इतना पहले देखना है। फिर अब आपको लगता है कि ये चीज पहले मैं इसको पढ़ता हूँ उसको पढ़िए, नहीं फिर स्टार्टिंग से फिर एक एक पॉइंट को देखिए, क्योंकि जब हम बीच में पढ़ रहे होते हैं पता नहीं आगे इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ चल रहा हो, तो पहले पूरा एक बार देखो उसको, देन स्टार्ट करो, फिर देखना कि उसी चीज को जो आप बिना कुछ करे दो काम करना, एक चैप्टर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना, एक बिना उसके पढ़ना, दोनों में फिर अंतर देखना आपको फील होगा। एक चीज शुरू से बस स्टार्ट कर दो, अपने को ये नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि आगे ये आने वाला है तो चीजों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी आप चीज को पढ़ोगे। अब मुझे ये पता है कि इस चैप्टर मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे पहले से पता है कि इसमें तीन चार पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करने हैं, अगर इसी चीज को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या आएगा या नेक्स्ट चैप्टर में क्या आने वाला है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर के चीजों को मैं डिस्कस ही ना करूं। अगर मुझे पहले से पता है कि ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा तो मैं उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, अच्छा अगला चैप्टर ये आने वाला है, अच्छी बात है, ऐसी चीजें होती है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हाउ लिनक्स प्रोटेक्ट रिसोर्सेज, कि हमारे सिस्टम को ऐसी लिनक्स कैसे रोक सकता है, प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है, तो ये सिक्योरिटी है तो क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देगा। तो ऐसी लिनक्स प्रोवाइड क्रिटिकल सिक्योरिटी पर्पस, इट मीन्स क्या होता है कि ये उन पर्पस के लिए है कि आपका सिस्टम में कोई ऐसा कुछ कंडीशन ना बन जाए कि सिस्टम में कोई भी चीज आपने परमिशन गलती से दे दी या तो कोई उसको एक्सेस कर पाए। तो लिखा है इन लिनक्स परमिटिंग एंड डिनाइंग एक्सेस किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए या किसी भी रिसोर्स के लिए सिग्निफिकेंटली मोर प्रिसाइज देन द यूजर परमिशन, कि यूजर गलती भी कर सकता है, परमिशन फुल दे सकता है, कभी भी नहीं भी दे सकता है, तो जिसको जितना पता होगा वो अपने हिसाब से क्या करेगा, किसी चीज का परमिशन डिफाइन करेगा। बट ऐसी लिनक्स बाई डिफॉल्ट किसी से मतलब नहीं है, यूजर परमिशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट,
और हम जो SLS पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यूजर परमिशन मीन्स क्या होता है, सी एच मोड कमांड पढ़ लिया हमने, ACL पढ़ लिया आपने, ये सब क्या होते हैं, अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सब यूजर से रिलेटेड परमिशंस होगी, चाहे वो आपका ACL यूज कर रहे हो या फिर आपका ये यूज कर रहे हो। बट ऐसे लिनक्स सबसे डिफरेंट है, उसका किसी भी सी एच मोड से या ACL से कोई मतलब नहीं है। समझ गए पहली चीज, तो ऐसे लिनक्स बिल्कुल भी डिफरेंट है आपका। अब कैसे काम करता है ये देखो, तो देखो यहाँ पे ये लिखा है इट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या चीज होती है, पॉलिसीज बनती है इसमें, परमिशन और पॉलिसीज में अंतर होता है आपका। तो ये क्या है, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, कि जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर है, जब किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को उसने डिजाइन किया, मैंने कहा कि ये चीज इनेबल डाल दो उसमें, कि यूजर को थोड़ी पता है कि ये चीज सही है गलत है, उसे पता है ना, प्रोग्रामर को ये पता होता है कि आपके सिस्टम के लिए बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए इनबिल्ट, जो उसने बनाया है, बनाते समय उसने कुछ चीजें, तो ये सारी चीज पहले से क्या होती है, डिक्लेयर कर दी जाती है, व्हाट एक्शन एंड एक्सेसेस आर प्रॉपर एंड अलाउड फॉर ईच बाइनरी एग्जीक्यूट। जैसे कि सपोज जब एक OS बनाया गया होगा तो पता होगा ना कि ये पर्टिकुलर कमांड को ये बंदा यूज करेगा, इसको ये बंदा यूज नहीं कर सकता है। तो ये देखो एक चीज इसमें लिखा है, बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल हो सकती है, कॉन्फिगरेशन फाइल हो सकती है, डेटा फाइल हो सकती है, एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, इसके लिए कौन सी चीज अलाउ होगी कौन सी चीज नहीं अलाउ है, ये बाय डिफॉल्ट डेवलप के द्वारा इसमें डिफाइन किया गया पहले। कैसे, एक बार छोटा सा एक प्रैक्टिकल देखो, जैसे कि मैं किस पर्टिकुलर बाइनरी को यूज कर सकता हूँ, किस बाइनरी को यूज नहीं कर सकता हूँ। तो बाइनरी फाइल कहां पर स्टोर होती है रवि, पिन में, और कहां पर होती है दीप ज्योति, जल्दी बताओ और कहां पर होती है स्टोर, अनुराग, आपके सिस्टम में जो बाइनरी फाइल होती है वो कहां पर स्टोर होती है, देखिए दो ही लोकेशन होती है, स्लैश बिन जब मैं आपको फाइल सिस्टम पढ़ाया था, और दूसरा क्या होता है स्लैश एस बिन, एक में होती है बाइनरी फाइल, इट मींस जितनी भी यूजर की कमांड्स होती हैं, यूजर की जो बाइनरीज होती हैं, यूजर की बाइनरीज इन द सेंस यूजर कमांड्स, स्लैश बिन के अंदर क्या होता है यूजर की कमांड्स होती हैं। तो यूजर क्या यूज करेगा क्या यूज नहीं करेगा उससे रिलेटेड चीजें कहां पर होती हैं, तो यूजर की जो कमांड्स होती हैं ये सब कहां पर होती है, बिन डायरेक्टरी के अंदर, मतलब यूजर की जो बाइनरीज होते हैं वो सब इसमें मिलेंगे आपको यूजर से रिलेटेड। अगर कोई सुपर यूजर से रिलेटेड बाइनरी की बात करते हैं तो वो सब कहां मिलेंगे, इसके अंदर, इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो सिस्टम का जो रूट है वो क्या चला पाएगा, तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमांड्स होती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है कि ये मेरी यूजर कमांड है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, जल्दी बताइए, आपको मैं सब कुछ बता चुका हूं, जितना मैंने अभी तक है मैं वही चीज पूछ रहा हूं जो आपको बता चुका हूं, बताओ जल्दी से कैसे पता चलेगा कि ये इसकी इंफॉर्मेशन बाइनरी के अंदर है या इसकी इंफॉर्मेशन सुपर बाइनरी के अंदर है या ये आपकी यूजर कमांड है या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। इसके लिए बताया था आपका कि मैंने इस कमांड का यूज कर लो, जैसे कि मुझे यूज चेक करना है कि ये जो कमांड है यूजर एड कैसी कमांड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, इट मींस सुपर बाइनरी फाइल है आपकी, कैसी फाइल है, सुपर बाइनरी फाइल, इसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर है, एसबिन के अंदर, मैंने कमांड टाइप की mkdir, मुझे ये चेक करना है कि mkdir कैसी फाइल है, कैसी फाइल है, केवल बाइनरी फाइल, इट मींस यूजर कमांड है। तो यूजर जिन कमांड को चला सकता है वो सब के सब क्या होते हैं, यूजर कमांड्स होती है, उनकी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है, बिन के अंदर होती है। कोई भी कमांड, सपोज जैसे हम ls यूज करते हैं, ls भी तो कैसी, हर कोई क्या कर सकता है, ls कर सकता है ना, इसकी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी हुई है, usr के अंदर, बिन, बिन के अंदर, तो ये सब चीजें आपकी इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हर किसी से चीज से रिलेटेड चीजें आपकी पढ़े, तो ये कौन कौन सी बाइनरीज को कौन यूज करेगा, या कि ये चीज आपने डिफाइन की क्या, ये किसने डिफाइन की, जब किसी डेवलपर ने जब इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, यही तो बता रहा है आपका, ये समझ गया ना।
तो ये डेवलपर बहुत सारी चीजों को पहले से डिफाइन करेगा कि कौन कौन सी बाइंड्रीज को आपको अलाउड है, कौन कौन सी नहीं है, ये भी चीजें किसके अंदर है, उसी के अंदर है। बट ये केवल ये नहीं कि ये कोई एसएमएस की परमिशन, ये तो डिफाइंड कर रखा है प्रोग्रामर ने कि भाई ये चीज आपकी अलाउड है, ये प्रोग्राम अलाउड है, इस प्रोग्राम की यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा कंसेप्ट क्या आता है कि जब भी मैं किसी प्रोसेस को यूज कर, मतलब जब कोई टास्क आप रन करते हो तो वो आपके सिस्टम के लिए क्या एक प्रोसेस बन जाता है। जब भी मैं कोई टास्क रन करता हूं तो वो क्या कहलाता है सिस्टम के लिए, एक प्रोसेस है। आपने ls कमांड यूज किया, आपने mkdir यूज किया, यूजर ऐड किया, तो वो सिस्टम के लिए प्रोसेस है। हर प्रोसेस का भी अपना क्या होता है, एक एसिलेंस का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता होगा कि भाई इस प्रोसेस को ऐसे चलेगा या इसके लिए ये चीज अलाउड होगी। मैंने कहा कि वेब सर्वर को आपको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कराना है, तो वेब सर्वर आपके लिए क्या प्रोसेस है ना, क्या वो नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होगी, तो उसको कौन रोक सकता है, ऐसे लिनक्स भी रोकेगा उसको, तो फायरवॉल भी क्या कर सकता है रोकेगा। तो उसके लिए कोई एक चीज नहीं है, देखो फायरवॉल को आपको अलग से अलाउ करना पड़ेगा, ऐसे लिनक्स को आपको अलग से अलाउ करना पड़ेगा, हर किसी को क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कह रहे हैं कि बस जब कोई चीज आप बनाते हो तो क्या एक परमिशन लेते हो बनाने के लिए, भाई आपको यहाँ से भी लिखवा के लाना पड़ेगा, कहते हैं आपको यहाँ भी जाना पड़ेगा, वहां पर भी पूछना पड़ेगा, आपको इससे पूछना पड़ेगा, पहले तो गांव के प्रधान से ये चीज लिखवानी पड़ेगी। तो एक ही काम करने के लिए आपको कितनी सारी चीज लेनी पड़ती है, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कहा फायरवॉल को आपको अलग बताना पड़ेगा भाई, एसिलेंस को अलग बताना पड़ेगा। अब आपने कहा कि इंडेक्स फाइल में क्या परमिशन देनी है, वो तो सीएस मोड बताएगा ना आपका, सीएस मोड। अगर आपने कहा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर ये चीज मिल जानी चाहिए, तो ACL भी हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो परमिशन को एक चीज नहीं, सबको मिलाकर के हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। कहीं पे आपको SLS प्रिवेंट कर रहा है तो आपको SLS में अलाउ करना पड़ेगा, कहीं पे आपका फायरवॉल प्रिवेंट कर रहा है तो आपको फायरवॉल को अलाउ करना पड़ेगा, कहीं पे ACL है तो आपको वहां पे ACL अलाउ करना पड़ेगा। एक टॉपिक आता है आपका तो वहां पे हम ACL ही लगाएंगे तभी वो काम चलेगा, वहां पे SLS का कोई रोल नहीं। तो अलग अलग चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करनी है। तो आपको एसी लिनक्स, आपको ACL भी आना चाहिए, ऐसी लिनक्स भी आपको आना चाहिए, सीएच मोड भी आपको आना चाहिए, और नेटवर्क सिक्योरिटी इट मींस क्या होता है, आपको फायरवॉल भी आना चाहिए, ये सब सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज नहीं नहीं बाइनरी का यहाँ पे कोई 01 नहीं है। बाइनरी का यहाँ पे क्या होता है कि वो फाइल क्या आपका एग्जीक्यूटिव फाइल है। ये बाइनरी फाइल का मतलब इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फाइल को आप ओपन करो तो आपको दिखेगा नहीं उसमें, समझ गए ना। जैसे कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, जैसे कि भाई टेक्स्ट फाइल होती है, ये फाइल एक्चुअल में ये कुछ देख पा रहे हो क्या, ये बाइनरी फाइल इसलिए कही जाती है क्योंकि बाइनरी फाइल का मतलब क्या होता है, कुछ बाइनरी इसमें मतलब प्रोग्राम, ये प्रोग्राम डिजाइन है ना, किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में वो, बट ये प्रोग्राम है। जैसे कुछ प्रोग्राम क्या होते हैं विजिबल होते, देख पाते हो आप उसको, उसमें कुछ लिखा है कुछ ना कुछ इसके अंदर, जब प्रोग्राम ने जब उस कोड को लिखा होगा तो उस कोड को आप देख नहीं सकते हो कि ls का क्या कोड लिखा है। तो वो कोड क्या आपका बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है सिस्टम के अंदर कि भाई हमारा सिस्टम क्या करता है, कहते ना सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज होती है, वो इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी को सिंपल में, सिंपल को बाइनरी में। तो सिस्टम के अंदर कन्वर्टर लगे हुए प्रोग्राम के अंदर, वो चीजें वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके ls का जो रिजल्ट है वही देगा, कुछ और नहीं करेगा वो, इसलिए उसको बाइनरी फाइल बोलते हैं। आप कैट नहीं कर सकते उसको क्योंकि टेक्स्ट फाइल को क्या करते हैं हम, कैट करते हैं ना, कैट करता क्या है टेक्स्ट फाइल को व्यू करने के लिए होता है आपका, ये चीज है, ये कंसेप्ट होता है आपके, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इनको बाइनरी फाइल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कहा यूजर एड, यूजर ADD एड, अच्छा ये तो SVN के अंदर पड़ा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, देख पा रहे हो कि इसको आप नहीं देख पा रहे ना, यही चीज है। तो कौन कौन सी चीजों को आप देख सकते हो, कौन सी चीज, तो बाइनरी फाइल होते हैं, कैरेक्टर फाइल होते हैं, जैसे सपोज कैट स्लैश डेब, डेब के अंदर TTY, ये कैसी फाइल है, TTY बना होता है, देख सकते हो कि इसमें क्या है, कुछ देख पा रहे, ये कैरेक्टर फाइल है, तो आप उसमें देख नहीं सकते, बहुत सारी फाइल होती है, ब्लॉक फाइल होती है, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखो इसमें लाइन पढ़ो ये, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कुछ पॉलिसी लगी होती है, इनको क्या बोलते हैं, टारगेटेड पॉलिसी होती है, उस पर्टिकुलर सिस्टम पर लगी होती है।
वन पॉलिसी इज रिटन टू कवर एक्टिविटीज सिंगल एप्लीकेशन, मतलब सपोज करो कि अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है, परमिशन लगानी है, तो वेब सर्वर के लिए अलग लगाओगे, इसके लिए अलग है, हर एप्लीकेशन के लिए अलग क्या होते हैं, इसके लेबल्स होते हैं, वो असाइन करने पड़ते हैं। अगर आपको DNS के लिए कुछ लगाना है तो वो अलग लगाओगे क्योंकि ये अलग एप्लीकेशन है, समझ गए। अगर कोई DHCP के लिए कोई चीज़ करनी है तो अलग करोगे आप उसके लिए। अगर NFS होगा तो अलग होगा उसके लिए, सांबा होगा तो अलग होगा। तो ये सब क्या, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्या करनी पड़ती, पॉलिसी आपको डिफाइन करनी पड़ी। यहाँ पे ये मतलब है इसका, ठीक है। पॉलिसीज है क्या आपका, कुछ नहीं है, दीज आर द प्री डिफाइंड लेबल्स। क्या करना पड़ता है, लेबल डिफाइन करना पड़ता है आपको। सपोज कोई काम करना है, मैंने कहा कि लैपटॉप ले लेना, तो लैपटॉप हम जब देखते ना लेबल, अच्छा IBM का सिस्टम है, क्या बात है, लेबल देके बताया हमने, तो आपने इसे प्रोसेसर लिया, अच्छा इंटेल का लिया आपने, अच्छा ये चीज ऐसे लिए, तो ये क्या है, किसी भी चीज का जो नाम होता है, लेबल होता है आपका, कि जिस पर जिस तरह का लेबल लगा होगा उसे पता चल जाता है कि भाई आपका ये चीज उस पर्टिकुलर का है। तो जैसे जो किसी चीज का ब्रांड नेम होता है तो वो भी तो क्या होता है, उसका लेबल होता है। कपड़ा खरीद रहे हो तो उस पर एक लेबल लगा, उस पर नाम ही तो लिखा है उसका, टैग, उसे पता चल जाता है, अच्छा ये शर्ट महंगी हो गई। कैसे पता चला मैं इस चीज को, कि उस पर कुछ ना कुछ आपने लेबल डिफाइन किया है। उसी तरह से फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, प्रोसेस, उस पर भी क्या होता है, अपने अपने लेबल चिपका दिए जाते हैं। तो ये कौन हो आपका, बाय डिफॉल्ट OS में प्री डिफाइंड है कि इसका लेबल यही होगा, ये लेबल कभी भी चेंज नहीं होते, ध्यान रखना। लिवाइस का है तो हम उसे लिवाइस ही बोलेंगे, कुछ और थोड़ी बोल सकते हैं उसको। अगर किसी चीज का रिबॉक का है तो रिबॉक ही बोलेंगे, लेबल कभी चेंज नहीं होते, ध्यान रखना। तो दीज आर द प्री डिफाइंड लेबल्स जो कहाँ प्लेस होते हैं, किसी भी चीज के इंडिविजुअल प्रोग्राम पर प्लेस हो जाते हैं। मीन्स उस प्रोग्राम के लिए वही लेबल काम करेगा, चाहे वो आपका प्रोग्राम के लिए हो या किसी फाइल के लिए हो या किसी पोर्ट के लिए हो। तो हर किसी चीज का लेबल क्या होता है, अलग अलग होता है। रवि इसको बंद कर दो, अब यहाँ देखो, हाँ कोई नहीं, आप यहाँ देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपका जब ध्यान होता है ना दो जगह बढ़ जाता है तो मैं कम समझ में आता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई, ह्यूमन नेचर है ये। अभी जैसे कि इन्होंने एक वर्ड बोला था गीतू ने कि सर पढ़ती तो पर ध्यान से नहीं पढ़ती, उसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन के साथ नहीं है। उससे इफेक्ट पड़ता है ना चीज़ों पर, कि जब आपके पेपर होते हैं तो कैसे पढ़ते हो आप, किसी को कमरे में एंटर नहीं करने देते हो, कि तो भाई मेरा पेपर है, कोई घुस मन जाए ना इस कमरे में, ध्यान भंग हो जाएगा मेरा। सोचिए आपका किसी के घुसने से ध्यान भंग हो रहा है एक्चुअल में। सोचिए अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान आधा वहाँ है आधा, ऐसा कभी होता है, मोबाइल देखते हो कभी आप, नहीं देखते ना, क्योंकि आप जो सब कुछ साइड में कर देते हो, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन क्या होता है। मैं तो एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि जब आप पेपर देते हो तो आप किसी को कितना भी अच्छा फ्रेंड हो भटकने नहीं दोगे उस दिन, आपको कहोगे भैया आज दूर हो जाओ, आज कुछ नहीं चाहिए मुझे, कल का पेपर है तो कल पेपर में जो आना है वो हमें करना है। चलिए ठीक है ठीक है, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था बेटा, ठीक है, मेरा कोई किसी को वो करना नहीं है, टारगेट नहीं मेरा, बस मैं तो बता रहा हूँ कि देखिए। तो देखिए ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्री डिफाइंड क्या लेबल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, फाइल के लिए या किसी पोर्ट के लिए, कहा कि ये पोर्ट ब्लॉक कर दो तो उस पर भी क्या होगा, कौन ब्लॉक करेगा उसको, ऐसी लिनक्स की बात करो, एसएनएस अपने लेबल के हिसाब से देखेगा ना, अगर उसका लेबल मैच कर जाएगा तो उसे क्या कर देगा, वो अलाउ कर देगा, लेबल मैच नहीं करेगा तो अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई चीज, मैंने कहा कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए लोकेशन होते हैं, हर किसी लोकेशन वाइज चीजों को डिफाइन कर रखा है, कि कोई बंदा स्लैश होम में काम कर रहा है तो उसका अलग लेबल होगा, ध्यान रखना, कोई बंदा स्लैश TMP में काम कर रहा है तो उसका लेबल अलग होगा। तो हमारे एसिलेंस को कैसे पता चलेगा एक्चुअल में इसका लेबल ये, तो प्री डिफाइंड लेवल्स पहले से बना के रखे गए। अगर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, वेयर के अंदर काम कर रहे हो, तो लेबल क्या होगा, स्लैश वेयर के अंदर अलग होगा। अगर आप किसके अंदर काम कर रहे हो, स्लैश डेव के अंदर काम कर रहे हो, तो लेबल अलग होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये जो लेबल है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन प्री डिफाइन कर रखे हैं आपके, ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए हमें इसकी नीड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी।
और ये उस पर लगी होती है आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिकली, जब कोई फाइल बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, उस पर बाई डिफॉल्ट कुछ रूल्स अप्लाइड है आपके। देखो जी, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक फाइल बना दी आपको समझाने के लिए। इस फाइल को मैं अभी जहां पे काम कर रहा हूँ वही बना रहा हूं, मैंने इसका नाम रखा एसी लिनक्स अंडरस्कोर फाइल वन, हो गया, ये बन गया आपका। अब देखिए, मैंने इसी चीज को क्या किया, स्लैश में बना, देखते चलना, नाम वही है। देखिए, करंट बनाया, स्लैश बनाया, अब इसी चीज को मैंने क्या बनाया, टीएमपी बना दिया, बन गया। इसी चीज को मैंने क्या किया, होम के अंदर बना देता हूँ, चलिए किसी भी यूजर के अंदर, होम के अंदर, चलिए यहां बना दिया मैंने इसको। अब देखो, जहां से इसको मैं कहाँ बनाऊँ, चलिए इतनी लोकेशन देख लेते हैं, एक काम और करता हूँ, मैंने स्लैश वेयर, वेयर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर एचटीएमएल के अंदर यहाँ बना दिया एससी। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैंने पेज बना दिया, एचटीएमएल है उसमें कुछ नहीं, बस ये बना दिया मैंने। अब देखो तीनों चीज़ों का सब कुछ देखो यहाँ पे, कि मैंने बताया था लोकेशन वाइज ये क्या करेगा, हर किसी पे अपना अपना लेबल चिपका देगा, भाई इसका लेबल ये, इसका लेबल ये। अब उसी को जिस पर्पस के लिए आप यूज करोगे उसका लेबल मैच करेगा तो आपको यूज करने देगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आप किसी और पर्पस में से यूज करोगे तो मने करेगा वो आपसे, ठीक है। कैसे, ls hyphen l, जब मैंने आपको ls वाला बताया था तो बताया था कि ऐसी लिंक्स की परमिशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, z कैप्स में लगाते हैं। तो पहला तो आप करंट में चेक करो, पहली कमांड आप ये लिख लो कि क्रिएट सम फाइल्स इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देन चेक एसी लिनक्स परमिशन। तो आपको क्या करना है, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग फाइल बनानी है और अलग अलग उनकी परमिशन को चेक करना है, एसी लिनक्स की परमिशन। क्रिएट फाइल इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, क्रिएट सम फाइल लिखा था मैंने, सम फाइल्स इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एंड चेक एसी लिनक्स परमिशन। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, देखो जी, बस आपको बस कंसेप्ट को देखो, ध्यान से देखिए, इस पर देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है इसका, ये लेबल है, ये देख रहा है, यहां तक इसमें पहला लिखा है यू का मतलब होता है यूजर, दूसरा लिखा है आर का मतलब होता है रोल, और टी का मतलब होता है टारगेटेड। ये देखो हमें इससे मतलब है, हम पूरे इसमें चैप्टर में यही पढ़ेंगे केवल, टारगेटेड हमारी जो पॉलिसी होती है एसएमएस की, बाई डिफॉल्ट किस मोड में काम कर रही होती है, यूजर मोड, रोल मोड, टारगेटेड मोड में काम कर रही है। तो लिखा था ना आपकी जो पॉलिसी होती है किस मोड में काम कर रही है, टारगेटेड। तो केवल लेबल चेक करने वाला होता है। मैंने कहा देखो सबको चेक नहीं करना, मैंने कहा रोल नंबर वाइज, जिसका रोल नंबर अभी क्या हो, ये वाला हो, इसकी सीरीज का हो तो उसको अलाउ कर दो, तो इस सीरीज में हो तो अलाउ नहीं करना है। मैंने कहा सीरीज वाइज चेक करने, बस आपको मैंने कहा कि अल्फाबेट चेक करो, मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, तो इस दिन ए वाले को अलाउ करना है, इस दिन बी वाले को अलाउ करना है, समझ गए ना। तो मैंने लेबल को मैच कराने के लिए कुछ भी कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं लेबल। तो देखिए पहले से क्या, देखो इसका लेबल क्या है, देखो नाम क्या है इसका, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी। अब देखो ध्यान से, जब ये टीएमपी में गया होगा तो लेबल सेम थोड़ी लगा होगा, अलग लेबल लग गया होगा इस पर। देखो ध्यान से इसका लेबल क्या, देखो अलग दिख रहा है आपका, हर किसी, तो ऐसे लिनक्स ऑटोमेटिकली फाइल बनते ही उसका लेबल मैच करा देगा आपका, मतलब उस पर एक लेबल लगा देगा। जब कोई फाइल बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो, कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, तो इंस्टॉलेशन पे भी क्या होगा, जैसे मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल किया, लेबल लग गया उस पर, समझो प्री डिफाइंड होते हैं आपके सारी चीजें, क्या आपकी प्री डिफाइंड है आपका। अब यही चीज देखो मैंने एक बनाया, तो वहां पर एक और देख लीजिए आप, इसमें
स्लैश वेब, वेब के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर एचटीएमएल के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, इस पर लेबल देखो क्या लगा हुआ, देखिए तभी तो उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वेब पेज को आपको अलाउ करना है, इस पर्टिकुलर वेब पेज को आपको अलाउ नहीं करना। अगर आपने वेब पेज किसी और लोकेशन में रख दिया अलाउ ही नहीं होगा आपका। अगर कोई वेब पेज आपने सपोज मैंने मान लिया कि मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया और इसको मैंने क्या कर दिया स्लैश इस फोल्डर में रख दिया, वर्चुअल फोल्डर में, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका लेबल चेक कर लो, क्या चेक कर लो इसका लेबल, एल एस हाइपन एल डी, एल डी मत लगाओ, बस एल ही काफी है, एल और हाइपन करके जेड, लेबल क्या है इस पर देखिए। अच्छा ये मैंने इसमें कोई प्रैक्टिकल कर लिया होगा इसलिए लेबल ही आ रहा है, वरना ये लेबल होता ही नहीं है। देखिए मैं एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, स्लैश एक फोल्डर बना रहा हूँ कहाँ पर, स्लैश के अंदर, ठीक है, वर्चुअल वन करके। अब देखो मैंने एक फाइल बनाई, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैंने फाइल कहाँ बनाई, वर्चुअल वन के अंदर। अब की बार मैंने कहाँ फाइल बनाई, वर्चुअल वन के अंदर, वर्चुअल वन बना नहीं क्या। अच्छा देखिए ऊपर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, स्लैश के अंदर देखिए इसमें दो चीजें हैं, टी यू ए एल, तो टी आई ए एल हो गया है, टी आई लगा दो इसमें, ठीक है ना, और इसमें नाम रख दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो एच टी एम एल बन गया आपका। अब इसका परमिशन चेक करो, बाय डिफॉल्ट इस पर क्या लेबल लग गया होगा, एल एस हाइपन एल जेड, क्या लेवल है इस पे, अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, केवल ये लेवल है। इसको मैं इस वेब पेज को अलाउ करना चाहता हूँ, तो कभी भी आपका वेब पेज बाहर से नेटवर्क से एक्सेस होगा ही नहीं, क्यों, इसका लेवल क्या है अलग। जब तक उसका लेवल क्या नहीं हो जाएगा ये वाला, तो जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को अलाउ करना है तो लेवल क्या मैच कराओगे आप, ये लेवल मैच कर जाएगा तो वो नेटवर्क में एक्सेस हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं मैच होगा। ये तो बस मैं आपको केवल बता रहा हूँ एक्चुअल में चीजें क्या होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो देखो यहाँ पर देखिए, अब ये थ्योरी पर आ जाते हैं हम। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कितने मोड होते हैं असलियंस के, तीन मोड होते हैं, कौन कौन से, पहला एनफोर्सिंग, दूसरा क्या होता है परमिसिव, तीसरा क्या होता है डिसेबल्ड, तीसरा क्या होता है डिसेबल्ड होता है। तो एनफोर्सिंग हो गया, परमिसिव हो गया, तीसरा क्या हो गया डिसेबल्ड हो गया, तो ये तीन मोड होते हैं इसमें। अब यहां पे देखिए पढ़िए, यहां तक हमारा हो गया था, तो एनफोर्सिंग में क्या होता है, एसिलियंस क्या करता है आपका, ये रूल्स जो होते हैं इनको चेक करेगा सब कुछ, इट मींस बाय डिफॉल्ट आपका जो सिस्टम होता है इसी मोड में चलता है। दूसरा क्या होता है परमिसिव होता है, परमिसिव मोड में आपको क्या होता है कि जब नेटवर्क में वॉयलेशन होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो ये आपको क्या करता है मैसेज पुट करता है, जितनी भी वार्निंग्स होती हैं जो रूल से रिलेटेड वो आपको वार्निंग दे देगा। तो पहला कंसेप्ट एनफोर्सिंग मोड में क्या होता है आपके पास मैसेज आते रहते हैं, या ये आपको क्या करेगा प्रिवेंट कर देगा कि जब भी कोई चीज होती है किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये रूल लगे होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपने डिसेबल कर दिया तो इसे यूज कोई भी एसएमएस की पॉलिसी आपके काम नहीं करेगी, ठीक है, ये सारी चीज होती है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया आपका, तो देखिए ये थ्योरी में थोड़ा सा जितना थ्योरी आप इसमें दिया गया एक एक चीज पढ़ लो, प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है, मैं 10 मिनट के अंदर पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर दूंगा, तो प्रैक्टिकल से मतलब नहीं है, उसके कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए ये क्या है इसमें, यहां से पढ़िए फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एसिलियंस की ये लिखा हुआ फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स। तो ये भी क्या है, एक सिक्योरिटी से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा, क्या करता है आपका ये आपके सिस्टम पर एक सिक्योरिटी अप्लाई करता है, बट कुछ एडिशनल लेयर बना देता है। लेयर का मतलब क्या होता है कि भाई हर लेयर का मतलब क्या है कि हर अलग अलग कंसेप्ट पर, जैसे मैंने कहा कि होम के अंदर जा रहे हो तो कुछ अलग लेवल बना रहे हो, कहीं और जा रहे हो तो कुछ अलग, तो ये क्या है हर पार्टीशन के अंदर हर लोकेशन के अंदर अपना अपना क्या कर रहा है वो सिक्योरिटी लगा रहा है, आपका लेबल मैच करा दे रहा है आपका।
तो मेन हमारा जो प्राइमरी गोल होता है एसएनएस का क्या होता है, किसी भी यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है कि अगर यूजर ने डेटा एक अलग लोकेशन में रखा होगा तो उसका प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा उसको अपने आप ही, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। फ्रॉम सिस्टम सर्विसेज दैट कैन बी कम्प्रोमाइज, अगर वो कम्प्रोमाइज होती है तो, कम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छा वर्ड पता है क्या होता है, कम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है, नेगोशिएट, और क्या होता है कम्प्रोमाइज का मतलब, जैसे फाइंड द मिडिल ग्राउंड, कोई बंदा क्या कर ले आप जा रहे हो और बीच में आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिए, वो डेटा जा रहा है तो आप किसी ने एक्सेस कर लिया ना उसको बीच में, जैसे आप कभी कभी बोल रहे हो तो मैन इन द मिडिल अटैक, वही चीज है। तो अगर आपका सिस्टम कम्प्रोमाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये मतलब कहने मतलब कोई भी सर्विस कहते ना वेब सर्वर हैक हो गया तो क्या कम्प्रोमाइज हो गया ना आपका, या उस चीज को हमने वहीं की वहीं खत्म कर दिया, वो वाला कंसेप्ट होता है। बट देखिए यहाँ पे ये क्या है कि जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो देखिए ज्यादातर क्या जानते हैं, यूजर लेवल की परमिशन जानते हैं, वो क्या जानते हैं ग्रुप लेवल की परमिशन जानते हैं, और किसी को जितनी जानकारी होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा अपना मॉडल डिजाइन कर लेगा, भाई मैंने इसको ये परमिशन देनी है, इसको ये परमिशन देनी है, इसको ये परमिशन, तो उसके अकॉर्डिंग उसने डिफाइन किया हुआ है। बट ये ऐसी लिनक्स आपका प्री डिफाइंड होता है कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना, वो पहले से डिफाइंड है आपका, ठीक है ना, तो लेवल आपको मैच कराना पड़ेगा। तो इनको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो यूजर लेवल की जो परमिशंस होती हैं तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम, डीएसी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जबकि ऐसी लिनक्स को क्या बोलते हैं हम, इट्स कॉल्ड मैंडेटरी। मैंने कहा था ये तो जरूरी है, आपने यूजर की परमिशन दी या नहीं दी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आपके सिस्टम के लिए मैंडेटरी है, तो इन परमिशंस को क्या बोलते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। जैसे ना एसीएल बताया था आपको मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो ये भी एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, बट ये कैसी टाइप की आपकी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है आपकी, बट इसको हम लिस्ट न बोल करके क्या बोलते हैं इसको हम, एसी लिनक्स पॉलिसी। सो दिस इज अ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग तरह से अप्लाई होती है, इसके अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं जो आपके सिस्टम पर अप्लाई होते हैं। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मैंने अभी आपका आपके सामने काम किया था कि मैंने HTML लोकेशन के अंदर एक वेब पेज बनाया था, जस्ट टच कर बनाया नहीं बस जस्ट एक फाइल बना दी थी HTML फॉर्मेट में, तो उसका लेबल बाय डिफॉल्ट देखो यही दिया गया था ना, उसमें हमेशा उसके जो एंडिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है, T से स्टार्ट होती है, तो उसकी एंडिंग क्या थी देखो यही तो सेम था, ये आपका बुक का पिक है, तो इसमें बताया गया देखो यू का मतलब क्या है यूजर, आर का मतलब क्या है रोल, ये क्या आपका टाइप लिखा है आपका http_sys_content_t, ये एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी, ये भी आपका लेबल होता है इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं, और ये आपकी फाइल का नाम है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसी लिनक्स आपका किस पे अप्लाई हो गया, इस फाइल पर अप्लाई हो गया, किस पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल को कौन यूज करेगा, अगर उसका लेबल क्या होगा ये सेम होगा, अगर इसका मैं लेबल चेंज कर दूंगा तो इसे कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कोई यहाँ पे लिखा हुआ है आपका परमिशंस फॉर द अपाचे यूजर अपाचे ग्रुप, बाय डिफॉल्ट इन पे क्या होता है ये सारी चीजें आपने कि मैंने अपाचे यूजर को कोई परमिशन दे दिया ग्रुप को दे दी, तो उससे वो एक अलग कंसेप्ट है कि इसको क्या परमिशन मिली हुई है। ऐसी लिनक्स का जो रूल होता है जो पहले से डिफाइन होता है किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टली के लिए कर सकते हो, पोर्ट के लिए कर सकते हो, साथ ही साथ क्या होता है प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तीन चीजों के लिए हम क्या करते हैं परमिशन लगाते हैं, और इस पर क्या लगाते हैं लेबल मैच कराते हैं, क्या करते हैं देखो लिखा है ना सिक्योरिटी का लेबल होता है किसी का, और ये क्या होता है पहले से डिफाइन होता है हर प्रोसेस के लिए, हर फाइल के लिए, प्रोसेस के लिए, डायरेक्टरी के लिए, पोर्ट्स के लिए, दीज आर प्री डिफाइंड। कॉन्टेक्स्ट कोई पूछे क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जस्ट अ नेम, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा कि एसएलएस का कॉन्टेक्स्ट मैच करा दो, इट मींस लेबल मैच करा दो, लेबल का मतलब क्या होता है एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट, पूरा बोल देते हम इसको। हाउ टू कभी कभी आपसे पूछेगा हाउ टू अप्लाई द एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फाइल फोल्डर, किसी के लिए हो सकता है ना, तीन चीज लिखी है फाइल के लिए, फोल्डर के लिए, पोर्ट के लिए और प्रोसेस के लिए। हाउ टू अप्लाई द एसएनएस कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ऐसा किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो बता सकते हो भाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है लेबल होता है, लेबल ये नाम लिखा है, लेबल क्या एक नाम होता है जो पहले से क्या होता है प्री डिफाइंड होता है, हर किसी किस किस पे लगा सकते हैं प्रोसेस फाइल डायरेक्टरी पोर्ट, और ये क्या होते हैं
बहुत प्रकार के आपके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो तीन होते हैं, जैसे कि एक तो यूजर का होता है, एक इसके लिए होता है रोल वाला प्रोसेस होता है, टाइप होता है, लास्ट का क्या होता है सेंसिटिविटी होती है। तो लेवल में ये होता है बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम किस मोड में, आपकी जो रेसिलेंस की जो पॉलिसी होती है वो किस मोड मोड में काम कर रही होती है, टारगेटेड मोड में, ठीक है। और हमें केवल थर्ड वाले से मतलब होता है लिखा हुआ, देखिए हम किससे मतलब होता है, केवल थर्ड वाले से, जिसमें क्या लिखा होगा अंडरस्कोर टी, टी का मतलब टारगेटेड या टाइप बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, टारगेटेड या टाइप, ये लिखा है देखो ये वर्ड, कि लिनक्स का टाइप क्या मैच करना है। तो केवल आपको लेबलिंग मैच करानी पड़ती है, ऐसे लिनक्स में कुछ नहीं करते, केवल लेबलिंग मैच करते हैं। लेबल मैच हो जाएगा तो ऐसे लिनक्स अलाउ कर देगा, लेबल मैच नहीं होगा तो ऐसे अलाउ नहीं करेगा। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, तो आपको पता चलेगा, देखिए सर ये अभी तो एक्सेस नहीं हो रहा था, जैसे मैंने लेबल उसका क्या कर दिया, मैच कर दिया, ऐसे लिनक्स उसे ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा। ये हम करके देखेंगे तब इसका प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये किसका लेबल है, वेब सर्वर का, एचटीटीपी लगा दो। ये किसका लेबल है, देखो एसिलियंस में हर किसी प्रोग्राम के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, ये काम करोगे तो ये वाला लेबल मैच होगा, ये नहीं कि अपाची में कोई एक ही होता है लेबल, बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना हर किसी का सेम नहीं होगा आपका, समझ गए। उसी तरह से जैसे कि आपने नाम सुना होगा मारिया डीबी, सुना होगा आपने मारिया डीबी, MySQL, ये सब क्या होता है, डेटाबेस होते हैं। किसी डेटाबेस को अलाउ करना है, आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया और बट फिर भी वो एक्सेस नहीं हो रहा, नेटवर्क में उसे एक्सेस कर रहा हो नहीं रहा, क्यों हो सकता है उसका लेबल मैच नहीं कर रहा हो, क्योंकि ऐसी लिस्ट उसे क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। अगर उसे किसी और लोकेशन से आप क्या करोगे लेबल मैच करा के, तो इसका देखो लेबल क्या होता है। तो जब भी कोई कहेगा कि इस प्रोसेस पर MariaDB प्रोसेस के लिए आपको SNS का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है, तो आपको पता चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और कैसे देख सकते, कैसे, Z ऑप्शन का थ्रू, जब LS कमांड के साथ आप क्या लगा लेते हो Z, PS के साथ भी लगा सकते हो Z, मतलब कमांड क्या होता है, प्रोसेस का चेक करना है, जैसे कि मैं चेक करना है कि जो SBIN जो प्रोसेस है उसका बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट याद नहीं करना, जैसे उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे उसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि सपोज मैं आपको यहां दिखा देता हूं अपने सिस्टम पर, देखो मैंने कहा PS AUX, सारी प्रोसेस आपको दिख रही है, इसमें से मैं केवल एक प्रोसेस फाइंड करना चाहता हूं जिसमें क्या हो HTTPD लिखा हो, HTTPD, तो कोई प्रोसेस है ही नहीं इसमें HTTPD का, ठीक है ना। अब मैं यहां पे आता हूं इस वाले सिस्टम पे, देखता हूं कि इसमें कोई HTTP का प्रोग्राम है क्या, PS हाइपन, चलो बिना हाइपन के कर लेते, AUX ग्रैप, कोई फर्क नहीं, बस वो थोड़ा वे चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। आपको लास्ट टाइम बताया था BSB फॉर्मेट है, एक और फॉर्मेट, दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, HTTPD, बस वो इसका मतलब इस पर कोई प्रोसेस नहीं है। देखो अब मैं स्टेटस लगा के देखता हूँ HTTPD, दिख रहा है आपका, इसीलिए तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं था आपका, क्योंकि अभी तो कोई प्रोसेस इस पर स्टार्ट ही नहीं ना, वो प्रोग्राम तो इंस्टॉल्ड है। देखो दिखाऊं मैं आपको, EM लिस्ट क्या करना है HTTPD, ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। देखो क्या कह रहा है, देखो पैकेज तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, पैकेज इंस्टॉल होना और सर्विस को स्टार्ट होना दोनों में अंतर होता है। एक तो क्या कि पहले मेरे पास पैकेज नहीं है तो पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल्ड है अब आपका वो बाय डिफॉल्ट सर्विस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपको मैंने सर्विस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, स्टेटस पहले चेक कर लो, क्या स्टेटस अभी आपका रन लेबल का, जैसे कि ये क्या होता है रन टाइम पर भी क्या है आपका डिसेबल है, और ये क्या आपका सॉरी रन टाइम ये होता है, ये आपका क्या बूटिंग टाइम, बूट टाइम पर। आप फिलहाल अभी रन टाइम पे स्टार्ट कर लो, बाद में आपको कोई मतलब नहीं है कि स्टार्ट हो कि नहीं हो। तो देखिए कौन सा ऑन हो गया आपका, रन टाइम वाला स्टार्ट हो गया, रनिंग चल रहा है सिस्टम में आपके, अभी कितनी प्रोसेस स्टार्ट होगी देखो, इसमें ये सब प्रोसेस चल गई आपके,
इनको प्रोसेस बोलते हैं हम, और हर प्रोसेस को क्या मिल जाती है अपनी अपनी, चल गया। अब आप चेक कर लो उसी कमांड को, फिर चलाओ इस कमांड को, ये सारी प्रोसेस किसकी है। अब आपको देखना कि इस प्रोसेस का क्या है, एसी लिनक्स की परमिशन क्या है इस प्रोसेस के लिए, कि आपके सिस्टम पे इस लिनक्स के लिए क्या परमिशन डिफाइन की गई, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, हाइपन कैपिटल में जेड कर दो, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या प्रोसेस है, देखो इसमें दिख रहा है आपका, क्या पहले से प्री डिफाइंड है ना। इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, देखो STDP_T ये लिखा था आपका, देखो ये प्री डिफाइंड है आपका, क्या लिखा था देखो अभी इसमें, कि जब भी कोई वेब सर्वर की प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्री डिफाइंड है, तभी ये चल पा रही है। आप चेंज कर दो ये प्रोसेस बंद हो जाए, ध्यान रखना। बट ये प्रोसेस को पता है कि भाई मुझे इस प्रोसेस पे चल रहा है तो मुझे इसको लेबल ये डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस के लिए हो गया, अब मैं डायरेक्टरी का बताऊंगा, पोर्ट का बताऊंगा, ये सारी चीजें और देखेंगे अभी हम, कि फाइल का कैसे होता है, फोल्डर का कैसे होता है, किसी पोर्ट पर कैसे लगाते हैं, ये चीजें भी मैच करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये तो सिंपल प्रोसेस होगी आपकी, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस चेक कैसे कर रहे हैं, देखो पता चल गया। ये यहां से देख लो, ये कमांड होती है PS करके, हाइपन जेड का मतलब सारे एसएनएस की परमिशन चेक करने, सी का मतलब जो भी आपका जो कॉन्फिगरेशन चल रही है। तो देखो यहाँ पे कमांड टाइप कर दो आप, देखो PS हाइपन जेड का मतलब एसी लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट को चेक करना, जेड का मतलब टू चेक एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी प्रोसेस। तो यहाँ पे PS कमांड है तो PS के साथ लगेगा, LS है तो LS के साथ लग जाएगा आपका। सी का मतलब करंट में जो अभी हमारा चल रहा है किससे रिलेटेड, तो जितनी सारी प्रोसेस आपकी इससे रिलेटेड चल रही होंगी करंट में, तो देखो करंट में कौन कौन सी HTTP की प्रोसेस चल रही है, सबका देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो दिख रहा है आपका। इसी चीज को मैंने ऐसे भी दिखाया था आपका, ये तो सेम है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ देखो, ये सब प्रोसेस है जो फोरग्राउंड में आपकी चल रही है, इनकी प्रोसेस आईडी क्या, देखो ये दिख रहा है आपका, देखो सेम है नहीं आपका, कुछ अलग तो नहीं है, बट अलग अलग वे है, ये अलग कमांड है, ये अलग कमांड है। चीजों को आपको चेक करना आना चाहिए, एक ही चीज को हम किस किस तरह से देख सकते हैं, बस मेरा काम क्या है, हाउ टू चेक एसी लिनक्स प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। तो एसएनएस का कॉन्टेक्स्ट हमने चेक किया कि इस प्रोसेस के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या डिफाइंड है ये, ठीक है ना। उसी तरह से किसी भी प्रोसेस का आप चेक कर सकते हो, ये आपका प्रोसेस को चेक करने वाला। अब नेक्स्ट बताएगा कि देखो आपके पास ये है होम, इसका मैं आपको बता चुका हूं, देखो होम का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये होम के अंदर कोई फाइल बना देना, कोई फोल्डर बना देना, कोई भी फोल्डर, सबका क्या मिलेगा आपको हमेशा, होम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है पहले से प्री डिफाइंड है कि होम फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर बनाओ, कोई फाइल बनाओ, हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। चलिए देखिए आपको मैं दिखाता हूं, मैंने क्या देखा, LS-L का मतलब लिस्ट करना, जेड का मतलब एसएनएस का कॉन्टेक्स्ट चेक करना, डी का मतलब होम क्या है डायरेक्टरी तो है, क्या एक डायरेक्टरी है। तो पहले मैं स्लैश का चेक करता हूं, देखो स्लैश का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्या होता है इसका, पहले से डिफाइन है आपका। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज किया, स्लैश रूट का चेक करना चाहूं, हमने कहा आपके सर ये तो रूट, तो रूट ही होगा ना, इसका भी तो इसका अलग है, ये क्या है होम डायरेक्टरी है रूट यूजर की, स्लैश अलग कंसेप्ट है और रूट अलग है। देखो ध्यान से क्या रहा है इसका, एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर, एडमिन का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर है सिस्टम का, प्री डिफाइंड है आपका। होम का चेक करो, होम का अलग मिलेगा आपको, देखो दिख रहा है आपका, यहां पे क्या लिखा है, होम अंडरस्कोर रूट लिखा है, देखो मतलब इस पर्टिकुलर यूजर के लिए जो भी है उसका रूट होगा, इतनी जो यूजर होगा वो उसका चेक कर लेगा। अब मैंने देखो सपोज यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक यूजर है, कोई यूजर है, चलो 01 करके देख लेते हैं, इसका देखो क्या मिलेगा, अलग दिख रहा है ना, देखो यहाँ ध्यान से एक मिनट के लिए, यहाँ पे दोनों का आपको क्या दिख रहा है, देखियो देखिए आप सोचोगे सर एक थोड़ा सा चेंज किया है, जैसे उसके अंदर गए तो कुछ और दिखा रहा है, उसके अंदर गए तो कुछ और दिखा रहा है। सपोज ये केबिन किसका है, लिनक्स वालों के लिए, तो यहाँ पे कौन बंदा आएगा, उधर के केबिन है उसमें कौन है,
सेंटर तो एक ही है, परमिशंस क्या है सबकी? यहाँ पे कौन बंदा आ सकता है? वही आ सकता है जो लिनक्स से रिलेटेड इसका एडमिशन हुआ हो, सिक्योरिटी वाला। आप यहाँ से जाके वहां बैठ जाना, सर बता देंगे अभी आपको कैसे बैठोगे। समझ गए ना, परमिशंस हो गए आपके। हर किसी केबन का, इट मीन्स फोल्डर का अलग अलग क्या है, कंसेप्ट है। तो ये क्या है, होम है, ये तो पब्लिक लोकेशन होगी आपकी। बट ये क्या है, इस यूजर का अपना घर है, इसका परमिशन देखो क्या दिख रहा है आपका। तो यूजर लिखा है, ये यूजर लिखा है ना, यूजर से पता चल गया। तो ये लेबल पे जब किसी ने, प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने प्री डिफाइन की होंगी, मैं कैसे इसको रिकॉग्नाइज करूं कि ये यूजर है? तो मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने क्या लगा दिया, यूजर डिफाइन कर दी। ये पहले से डिफाइन कर रखा है। प्रोग्राम आप बनाते तो आप कुछ और रख सकते थे, उसका दिखता वो होम अंडरस्कोर DIR, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फाइल बना रहे हो, सपोज कोई यूजर है आपका, उसने कोई फाइल बनाई होगी के अंदर। मेरे पास देखो इतनी सारी फाइल दिख रही है आपका। सपोज मैं अंडरस्कोर बैस आउट का दिखाता हूँ, देखिए बैस RC का, इसका लेवल क्या दिख रहा है, इसके अंदर जितनी सारी फाइल है उनका लेवल क्या, बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। किसी का भी देख लो आप, बैस अंडरस्कोर प्रोफाइल का देखो, सेम है, इन सब का सेम है। इट मीन्स उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो सब क्या है, सेम दिख रहा है आपका। इतना प्रोसेस आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ? ये सब थ्योरी को मैं बस आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। अब ये मैं आपको पहले बता चुका था, इसको मैं बताऊंगा, बट अभी मैं एक दो मिनट का थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ काम है, दो मिनट रुकिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ऐसी लेंस का बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, रवि बाय डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है ऐसी लेंस का, किस मोड में काम कर रहा है ऐसी लेंस बाय डिफॉल्ट? दीप ज्योति क्या होता है, अनुराग, गीतू, दीपक, बताइए व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ एसी लिनक्स? लास्ट टाइम आपको बताया था शायद, अगर याद हो आप लोगों को बताइए। देखो नीचे लिखा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी नीचे रखा था। क्या लिखा सामने देखो, दोनों मोड लिखे हुए। पहला मोड कौन सा होता है, एनफोर्सिंग, दूसरा मोड कौन सा होता है, ये। तो बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम किस मोड में काम कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट ये वाले मोड में, ठीक है। आपको कभी चेंज करना पड़ा, जैसे कुछ प्रोग्राम है आपको नहीं पता कि एक्चुअल में इसको एसएनएस कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या काम करोगे, तो आप अपने सिस्टम को परमिसिव मोड में कर सकते हो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आपको वार्निंग देगा, आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। आपको ऐसी लेंस की कोई भी जानकारी नहीं है तो आपके लिए बेस्ट मोड कौन सा होता है? जब आपको थोड़ी जानकारी है, आप उसके एक्सपर्ट बन गए, तो आपको पता है कि ये काम करने के लिए मुझे इतना अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी बनी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को यूज करोगे। तो हमें बस यही सीखना है, एनफोर्सिंग मोड में चीजों को यूज करना है और उसको एसएनएस के कॉन्टेक्स्ट अलाउ करने है। आ गया ना, सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, एक बार बताइए, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना? ठीक है ठीक है, चलिए अब देखो आगे। तो ये कमांड होती है गेट एनफोर्स, इससे क्या कर सकते हैं, परमिशन चेक करोगे कि आपका डिफॉल्ट मोड अभी कौन सा है, अभी आपका करंट मोड, डिफॉल्ट या करंट मोड। हो सकता है कि डिफॉल्ट में कुछ और था, आपने करंट में चेंज कर लिया हो, तो व्हाट इज योर करंट मोड? तो जो भी आपका डिफॉल्ट में होगा, करंट में होगा, वो आपको बता देगा। तो ये चीज हमें पता करनी है, इसके लिए हमारे पास गेट एनफोर्स कमांड होती है। अगर आपको मोड चेंज करना है तो क्या कमांड होगी, सेट एनफोर्स। तो गेट एनफोर्स से क्या करोगे, चेक करोगे, सेट एनफोर्स से क्या करोगे, उसे अप्लाई करना है। तो देखिए सेट एनफोर्स करके अगर आपने वन लिख दिया तो मोड कौन सा हो जाएगा, एनफोर्सिंग। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर जीरो कर दिया, तो फिर क्या हो गया, परमिसिव हो जाएगा।
तो ये चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। एक कमांड और होती है ऐसी स्टेटस। ऐसी स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है, तो कमांड क्या है, ऐसी स्टेटस कमांड होती है। तो ऐसी स्टेटस मतलब होता है सिक्योरिटी इनहेंस स्टेटस। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांस बताएगा कि अभी जो आपका डिफॉल्ट मोड है, डिफॉल्ट का मतलब करंट मोड क्या है आपका, बता रहे परमिसिव है, और कॉन्फिगरेशन फाइल के अंदर भी क्या कर रखा है आपने, परमिसिव है। तो जो भी कंसेप्ट होगा आपको बता देगा। तो ये आपका करंट मोड हो गया आपका, देखो ये वाला, और ये क्या बताएगा आपका कॉन्फिगरेशन फाइल के अंदर क्या मोड है, ये आपको बता देगा। तो ये दो चीजों को देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज कर रहे हैं, ऐसी स्टेटस कमांड। क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए हम, ऐसी स्टेटस कमांड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें एक दो चीजें और। अब देखिए ये कमांड है, अब देखो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया इसमें, चलो अभी इसमें कुछ चेंज नहीं है। तो देखिए अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो सेट एनफोर्स करके, अगर आपने क्या लिख दिया, अपन आपको नंबर याद नहीं कि जीरो से क्या होता है, वन से क्या होता है, तो आप लिख भी सकते हो एनफोर्सिंग। लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका मोड, एनफोर्सिंग हो जाएगा। अगर आपने परमिसिव लिख दिया तो क्या हो जाएगा आपका मोड, परमिसिव। ये कैसे होगा अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो जी डिफॉल्ट मोड चेक करना है कि भी हमारा डिफॉल्ट में क्या है या करंट में हमारा क्या चल रहा है, गेट एनफोर्स करंट में क्या भी हमारा एनफोर्सिंग। मुझे अभी करंट मोड चेंज करना है तो क्या करोगे आप, गेट की जगह पे सेट। अब क्या सेट करना चाहते, मैंने एंटर कर दिया तो मैं भूल गया सपोज, तो मुझे पता है कि मैं केवल एंटर कर दूंगा तो बता रहा है कि इसका यूसेज कैसा है कि आप पहले कमांड दो, कमांड के बाद क्या लिख दो एनफोर्सिंग, या क्या लिख दो परमिसिव। तो एनफोर्सिंग का मतलब वन, परमिसिव का मतलब जीरो। याद भी नहीं करना आपको लिनक्स में कुछ भी चीज याद नहीं करना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, केवल यहां से कॉपी किया या पेस्ट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट तो यही था। अब के बाद मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यही है, चेंज कर देते हैं। अब देखो गेट एनफोर्स से चेक करो मोड क्या हो गया आपका, परमिसिव। अब की बार मैंने क्या किया, इसकी जगह पे क्या कर दिया, वन कर दिया, वन का मतलब एनफोर्सिंग, तो करंट मोड आपका चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है कि करंट मोड अगर चेंज करना, बट हाँ जैसे मैं सिस्टम को रिबूट करूंगा जो उस कॉन्फिगरेशन फाइल के अंदर होगा वही चेंज होगा आपका। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो देखो ध्यान से एक चीज, ऐसी स्टेटस, अब यहाँ पे आपको दोनों चीज दिखेंगे। तो पहला क्या होता है आपका, देखो यहाँ से ये क्या लिखा है आपका, करंट। तो करंट में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, अभी मेरा क्या है, मुझे पता है कि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए इस प्रोसेस को यूज करने की परमिशन देनी है। तो मैं अभी आपको करंट मोड मैंने चेंज कर लिया, जैसे मैं सिस्टम को रिबूट करूंगा मेरा डिफॉल्ट में जो मोड होगा कौन सा होता है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यही तो होता है आपका एनफोर्सिंग। तो जो फाइल के अंदर होता है वो परमानेंट होता है, और ये होता है वो टेम्प्रेरी। तो ये क्या होता है, टेम्प्रेरी होता है, और ये क्या होता है आपका मोड, परमानेंट। कि रीबूट के बाद भी आपका यही मिलेगा आपको हमेशा। तो दोनों मोड आपको चेक करने हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट पॉलिसी किस मोड में काम कर रही होती है, टारगेटेड मोड में काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये चीज है, आप इसको चेंज कैसे करेंगे परमानेंटली, ये देखो। तो इसके लिए फाइल होती है, ये कॉन्फिगरेशन फाइल होती है, ETC के अंदर कहाँ जाओगे, ऐसी लिनक्स के अंदर जाओगे, और कहाँ जाओगे इसकी कॉन्फिगरेशन फाइल में जाओगे। तो पूरी फाइल लिख लेना, फाइल का नाम, एक फाइल और होती है इसकी इसी से रिलेटेड, क्या होती है, vim/etc, एक बार देख लेता हूं, नेटवर्क, एक कमांड नहीं,
इसका एक होता है कभी बता रहे इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, sysconfig होता है सर, sysconfig के अंदर, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका ऐसे लिनक्स, दिख रहा है आपका ये फाइल सेम है आपका, मैं क्यू प्रेस करके बाहर आता हूँ इसमें से, क्यू प्रेस करके बाहर आ रहा हूँ, क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ, एक तो पहली फाइल ये हो गई, और दूसरी फाइल मैंने क्या बताई थी आपका, ये देखिए इसमें ऐसे करोगे ऐसे लिनक्स, इसके अंदर कॉन्फिग, ये दो फाइल है, कौन कौन सी, दोनों के नाम लिख लो, दीज आर द कॉन्फिगरेशन फाइल ऑफ ऐसे लिनक्स, तो लिख दोगे ऐसे लिनक्स कॉन्फिगरेशन फाइल, इसमें ओरिजिनल जैसे कि फाइल है वो यही है, ये इसका क्या लिंक बना हुआ है दिखाता हूँ अभी आपको कि दोनों में अंतर कुछ नहीं है, एक ओरिजिनल फाइल है और एक उसकी लिंक फाइल है, हाइपन एल पता कर लोगे, हाइपन एल से पूरा पता आ जाएगा आपका, इसकी ओरिजिनल फाइल हो गई और ये वाली इसकी लिंक फाइल है, हाइपन एल कर दो, दिख रहा है ओरिजिनल फाइल क्या है इसका, दिख रहा है ना, ऐसी लिनक्स के अंदर जो कॉन्फिग नाम की फाइल है ये क्या ओरिजिनल फाइल है, किसके लिए, ऐसी लिनक्स के मोड को चेंज करने के लिए, ये क्या है इसका लिंक, तो हम कभी कभी ये वाला पाथ यूज कर लेते हैं, जैसे बहुत सारी बुकों में हो सकता है आपको ये पाथ मिल जाए, आपको सर सर ने तो यही बताया था केवल ये वाली फाइल होती है, इसलिए मैंने आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया कि इसकी दो फाइल होती है, एक क्या होती है लिंक फाइल, देखो यहाँ पे एल लिखा है ना, ये क्या है इसकी ओरिजिनल फाइल है, दिख रहा है, अब ये लिंक फाइल कभी कभी हम ये वाला पाथ इसमें कोई चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा इसमें, तो देखो मैं ओरिजिनल वाली फाइल में चेंज करता हूँ विम करके, ये ऐसे लिख लोगे इसको, यहाँ पर गए, इसमें क्या करना है आपको, ये वाला यहाँ पे आना है ऐसे लिनक्स के अंदर, और क्या कर देना है आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम को परमिसिव मोड में यूज करना है, मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं अभी जानता नहीं हूँ, अभी जस्ट मुझे चीजों को सीखना है, कुछ प्रैक्टिकल करके देखना है, तो मैं अच्छा सबसे बेस्ट वे है कि मैं क्या कर लूँ उसको परमिसिव, जैसे कभी कभी करते ना नेटवर्क के कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो मुझे पता नहीं कि फायरवॉल कहाँ पे क्या होगा पता नहीं मुझे, तो मैंने ऑफ कर लिया, अपने सारे प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहा हूँ सारी चीज, तो वही चीज यहाँ पर हमने कर दी और बाद में इसको क्या कर दिया चेंज, आपको क्या करना है एसिलेंस के अंदर परमिसिव लिखना है, तो अब आपका देखिए ऐसी स्टेटस देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है दोनों जगह पे, पहले यहाँ पे क्या रहता, तो देखिए ये सर ये एग्जाम में आता है आपका, क्या क्वेश्चन आएगा बाई डिफॉल्ट एग्जाम में यही बिल्कुल सेम मिलेगा, ऐसे ही करेंट मोड और कॉन्फिगरेशन फाइल में मोड क्या मिलेगा परमिशन मिलता है, क्योंकि आपको पूरा एग्जाम किस मोड में काम करना पड़ता है एनफोर्सिंग मोड में, पूरा एग्जाम आपको एनफोर्सिंग मोड में करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के लिए आपको ऐसे इसके रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन आपका रूल चेंज करने के लिए आता है, समझ गए, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा चेंज, तो पहला काम क्या करोगे ये एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या कर दोगे आप करंट वाला मोड चेंज, वरना आपको रिबूट करना पड़ेगा, अगर आपने करंट मोड चेंज नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, समझ गए, तो पहला काम क्या करो ये कर दोगे, दूसरा काम ये एग्जाम के लिए बता रहा हूं, यहां जाओगे इस फाइल के अंदर जा करके आप इस मोड को यहां से हटा दोगे जो पहले से एग्जाम में होगा, ऐसे मिलेगा आपके एग्जाम में, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे आप एनफोर्सिंग लिख दोगे, टेन क्या कर दिया आपने इसको डिसेबल, तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा एसिलेंस का कोई भी रूल काम नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा, तो इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए हम डिसेबल करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम किससे हो जाता है परमिसिव से हो जाता है, इसलिए जब भी हमें कुछ काम करना होता है परमिसिव कर लेते हैं, ठीक है, अब देखो एसिलेंस स्टेटस क्या दिखा रहा है दोनों मोड आपको, पहले दोनों मोड कैसे आ रहे थे तो एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आएगा, यही सेम आता है सेम, वो हर बार आता है आपका ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए आज ने तैयार करा दिया, लाओ भाई 10 नंबर मिलेगा सबको लाओ, चलो ठीक है आगे देखिए, अब तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपका यहां तक हो गया, अब देखिए नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि इसका मोड चेंज करोगे परसिस्टेंट करना है, तो कहां जाओगे पहले चेक कर लो
इससे पता चल जाएगा मुझे कि एक्चुअल में क्या है, परमिसिव होगा, परमिसिव को क्या कर दोगे एग्जाम में आप ये करके, और क्या कर दोगे इसको सेव कर दोगे, ये पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बना दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये बुक के अकॉर्डिंग नहीं, ये सब मैंने अपने सिस्टम पे बना करके इसमें कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, सिस्टम का नाम चेंज आ रहा है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, ऐसे भी कर सकते हो आप इसमें, तो ये पूरा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहां से पढ़ना है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, उसके बाद ये टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोलिंग एसिलस फाइल कॉन्टेक्स्ट। अब कह रहा कि फाइल के कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज करोगे, उसको कंट्रोल कैसे करोगे, अभी तक तो केवल हमने क्या सीखा, मोड को चेंज करना, अब दूसरा हमें क्या करना है, लेबल चेंज करना, कि मैंने कहा कि इसका सर लेबल कभी मुझे चेंज करना पड़ा तो कैसे चेंज करोगे, तो ऐसी लिनस को कैसे मैनेज कैसे करते ये हमें देखना है, कुछ पूछना है यहां तक तो बताइए। हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना है, ठीक है, चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसमें। इनिशियल एसिलेंस कॉन्टेक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर जो एसिलेंस का ऑल प्रोसेसेस एंड फाइल्स, हर किसी प्रोसेस पर, हर किसी फाइल पर पहले से क्या होता है, प्रीडिफाइंड एक लेबल लगा होता है उस पर, ये लेबल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोल देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट। सो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हाउ टू अप्लाई एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू चेंज एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू चेंज द सिक्योरिटी ऑफ एसी लिनक्स, कुछ भी हो सकता है आपका। तो कोई भी नई फाइल आप बनाओगे टिपिकली इनहेरिट हो जाती है आपकी, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे मैं बताया था कि उसके अंदर जब हम काम करते हैं ऑटोमेटिकली सारी फाइल का क्या है लेवल एक जैसा लग रहा है आपका, अपने आप ले लेगा, इनहेरिट का मतलब विरासत मिल जाएगा उसको, ठीक है ना, ये क्या मिल रहा है उसको, इनहेरिट कर रहा है आपका। अब जाओ इसके सिनोनिम का मतलब क्या होता है, रिसीव करना, ऐसे चीजों को देख लिया करो, आपको एमएस वर्ड के अंदर सब कुछ सिनोनिम मिल जाता है आपका, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ, गेट कर लेता है, ठीक है ना, अपने आप मिलेगा, कम इन टू डायरेक्टरी लिखा भी हुआ, देखो इनहेरिट का मतलब डायरेक्टरी, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इसको भी पता है कि ऐसी लिस्ट के बारे में भी हो सकता है, तो डायरेक्टरी लिखा है आपका, सॉरी डिक्शनरी लिखा है, डायरेक्टरी नहीं है, तो देखो ये सब कुछ लिखा है आपका, टू बी लेफ्ट, टेक ओवर, सक्सीड, एक्सीड, कम इन टू, अपने आप आ जाएगा उसके अंदर, तो ये अब ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है आपका, और जो भी उसका होता है कॉन्टेक्स्ट। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक इसका आंसर जैसे समझ में आता है मुझे बताओ, वरना मैं पूछूंगा। वो मैं बता दूंगा आपको, जो लाइन आपको नहीं समझ में आई वो मैं बताऊंगा आपको, इन दो लाइन को पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है आपको, दीप ज्योति, कुशदीप आपको क्या समझ में आ रहा है आप बताओ, क्योंकि मैंने आपका अभी तक नाम किसी क्वेश्चन के लिए नहीं लिया, बताइए कुशदीप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए आंसर। अनुराग बताओ जल्दी से, चलो ठीक है, गीतू आप बताओ, उसके बाद दीपक का नंबर है। सर ये फर्स्ट ऑफ यू क्रिएट वाली फाइल बनानी है ना? हाँ जी,
ये दो लाइन है, ये लाइन का मतलब, दोनों लाइन का मतलब बताओ क्या कहना चाह रही है सर? इसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो है किसी फाइल को हमने कहीं अलग किसी लोकेशन पे बनाया है, लेकिन उसको बाद में जो है ना मूव कर दिया है फाइल को, तो भी जो है ना ऐसी लिनक्स के कंटेक्स्ट वो सेट होंगे जहां पे वो बनी थी, ना कि जहां पे हमने उसको मूव करा। और सेकंड लाइन में ये मतलब है कि अगर हम किसी फाइल को जो है कॉपी करते हैं, तो मतलब उसका ऐसी लिनक्स के कंटेक्स्ट सेम रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, और उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। दीपक आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? आवाज आ रही है आपको दीपक मेरी? यस सर। हाँ जी बताइए। सर यही लगता है जो सर गीति ने बताया। बताइए। हेलो सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर यही लगता है जो गीतू ने बताया। क्या मुझे उससे मतलब नहीं, उन्होंने क्या लगता है, मैं कह रहा हूँ तुम बोलो, तुम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। जैसे सर फर्स्ट लाइन में तो ये बोल रहा है, तुम बोलोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, सेम बोल रहे हो। जैसे सर फर्स्ट लाइन में सर ये बोल रहा है, जैसे कोई हमने फाइल बना दी और उसको हमने डिफरेंट लोकेशन पे मूव कर दिया, देन उसको जो सिंटेक्स होता है सर वो सर जी वही रहता है, जो हम लोग जो फाइल को हमने जो बनाया हुआ है ना, जो सिंटेक्स दिया वही रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या मतलब है? और सर सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में सर कोई नहीं, अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। चलो कोई नहीं, अब तो बस इतना ही ठीक है। ठीक है आप, क्योंकि आपका सेम मान लेता हूं मैं, कॉपी पेस्ट ठीक है। चलो कोई नहीं, देखिए आप लोगों ने देखो जितना बोला आपने बिल्कुल सही बोला। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि कह रहा कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हो, पहली चीज आप अपने सिस्टम में कोई क्या करोगे, फाइल क्रिएट करोगे। और क्रिएट देखो मैंने सबसे पहले बता दी थी ये चीज आपको, मैंने पहले बताया था कि हर लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका लेबल अलग डिफाइन होता है। कि जब आप एक लोकेशन, देखो सीपी कमांड कैसे चलाते हैं, ये कमांड चलाई आपने, सबसे पहले क्या होता है सोर्स लोकेशन, एड्रेस बोलो या सोर्स की क्या होगी लोकेशन। अब जहां पे आप कॉपी करना चाहते हो, मेरे पास क्या होनी चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस या क्या बोलते हैं उसको हम लोकेशन, ये क्या होती है। तो हमारा काम क्या है, इस लोकेशन से काम चलेगा कि कोई फाइल एक लोकेशन से जा रही है, सपोज ये स्लैश से गई और ये टीएमपी में जाती है आपके, या मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी में क्या होता है कि ये जो डेस्टिनेशन है, जो लेबल जो अप्लाई होगा वो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। बस एक बार समझ लो, जब सीपी करोगे तो लेबल किसका लगेगा, जैसा देश वैसा भेष, कैसा लगेगा, जैसा देश वैसा भेष बना लो, वही लेबल अपने ऊपर लगा लो ऑटोमेटिकली। आपको लगाने नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्लैश से जाएगा तो लेबल क्या होगा, अलग होगा ना स्लैश का, तो जब ये टीएमपी में जा रहा है तो क्या होगा, अलग होगा। तो जब ये स्लैश से कोई चीज मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली किसका लग जाएगा, अब टीएमपी। तो जैसा देश वैसा भेष, ये समझो सीपी हो गया। एमबी क्या कहता है, ये बहुत बेशर्म आदमी होता है बाय डिफॉल्ट, कहता है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, अपने आप को चेंज नहीं करूं। कुछ लोग होते हैं ना भाई, कुछ लोग ऐसे देखा है मैंने कि किसी के यहाँ जा रहे हैं, वो अपनी जो आदतें हैं उनको भी लेके चलते साथ में, वो कभी चेंज नहीं होते वहां पर जाकर के भी। कुछ लोगों की आदतें क्या होते हैं ऐसी होते हैं, वो वहां जाके चेंज नहीं होते, उन्हें पता है भी घर है तो अलग तरह से बिहेव करो, वहां पर जाकर के भी वही बिहेव करेंगे, वो कभी चेंज नहीं। तो एमबी कैसे होते हैं, जो अपनी आदतों को भी चेंज नहीं करते, इतनी जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। मतलब जहां से जा रहे हैं अगर इसका स्लैश का वो लेबल लगाए तो स्लैश का ही लेबल कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, समझ गए ना। तो जैसा देश वैसा देश बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ,
बाद में हम चाहे तो कुछ ऑप्शन लगा करके हम उसमें चेंज कर सकते हैं। सपोज जब उसी को जब बड़े बूढ़े समझाते हैं बेटा ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो हम उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं ना। तो मॉडिफाई कौन करेगा, ऑप्शन करेंगे। तो उसको चार लोग समझाते हैं फिर बेटा ऐसा मत करो, ये चीज ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर हो सकता है समझ जाए। बट कुछ लोग फिर भी क्या होते हैं, अपनी जो है जो चीजें होती हैं, और जब वो भी चेंज होते हैं फिर उनको नेचर चेंज करता है ऑटोमेटिकली, नेचर से नहीं लड़ सकते हो। तो फिर चलिए मैं ज्यादा आपको बातें नहीं बताऊंगा, नहीं बनना फिर मुझे भी आप कहोगे सर। चलिए ठीक है जी। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जब आपने कोई फाइल बना दी डिफरेंट लोकेशन में, अल्टीमेट इंटेंडेड लोकेशन मतलब हर लोकेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज क्या होगी, चेंज होगी। देन मूव अ फाइल, द फाइल इज स्टिल एसएनएस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टरी वेयर इट वॉज क्रिएटेड नॉट द डेस्टिनेशन। कह रहा कि डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं करूंगा मैं जहां पे क्रिएट हुआ मैं इसके हिसाब से रहूंगा। जब क्या करोगे आप इसको मूव करोगे, पहला कंसेप्ट हो गया। सेकंड क्या, कॉपी कर दो तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। कॉपी क्या होता है, जैसा देश वैसा अपने आप को कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, कि जब किसी के गए तो वैसा कॉपी हो गए, जब फ्रेंड सर्कल में तो वैसा कॉपी हो गए। तो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, जिस तरह का सर्किल होता है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। जो लोग चेंज नहीं कर पाते वो सरवाइव नहीं कर पाते ना। कोरोना है, सरवाइव कर रहा है देखो अभी भी, ठीक है ना, बट फिर भी हम लड़ रहे हैं उससे, ठीक है ना। तो ऐसे लेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कह रहा कि अगर आपने ये वाली कमांड यूज की है तो जो लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा आपका। अब इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। आगे छोटा सा देखिए, इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है कि इस कमांड से क्या कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा काम किया गया है, एक फाइल कहाँ बनाई गई, इस लोकेशन के अंदर बनाई गई। अब इसका क्या चेक किया गया, एसएनएस का कॉन्टेक्स्ट चेक किया। तो इसका बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये होता है। अब आगे हो सकता है इसमें एक फाइल और बनाएगी, दो फाइल किस लोकेशन के अंदर, टीएमपी में, देख रहे हैं आप। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, चेक किया, तो अभी देखो इसका लेबल क्या, देखो अभी इसका लेबल यूजर अंडरस्कोर टीएमपी अंडरस्कोर टी। अब मैंने इसको एक बार क्या किया, कॉपी किया, लोकेशन सेम है, देखिए इसको भी कॉपी किया दूसरी फाइल को, लोकेशन क्या है सेम। अब देखो इनका बिहेवियर देखो कैसे काम कर रहे हैं, एक का बिहेवियर जैसा है वैसा ही रहा। कौन सी फाइल है आपकी, फाइल वन, ठीक है ना। इसमें कुछ गलत हो गया क्या, ls hyphen, देखिए यहाँ पे नहीं, ये वाला है देखिए, ये थोड़ा सा ये वाला है, यहाँ पे ये वाला नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ पर। तो एक का देखिए कौन सी फाइल है आपकी, जीरो, इसका नेचर क्या दिख रहा है आपका, और दूसरा देखिए फाइल मेरे पास क्या, टू, इसका नेचर क्या दिख रहा है आपका, देखिए ठीक है। तो दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग। इट मीन्स इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट लिया है, सीपी ने अलग लिया होगा, एमबी ने अलग लिया होगा। तो ये चीजें बस इसमें होती हैं, और ये हमें चेंज कैसे करनी है ये भी हमें इसमें सीखना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है यूजर, एक होता है रोल, एक होता है आपका टाइप, एक होता है आपका ये, ठीक है। बस उसके बाद हम फिर आगे इसको रिस्टोर करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल देखो एक छोटा सा, अब देखिए मैं एक आपके सामने एक फाइल बनाता हूं ls/ls-ld/where के अंदर www, लेबल क्या है भाई डिफॉल्ट इसका, क्या लेबल है इसका, http_, इसमें कोई फाइल आएगी तो बाई डिफॉल्ट उस पर क्या लग जाएगा, ये लेबल लग जाएगा अपने आप ही। आपने क्या किया, दो फाइल बना ली, ठीक है, स्लैश टीएमपी में बना लेते हैं, चलिए उसी चीज को सेम फॉलो कर लेते हैं, टीएमपी बनाई आपने फाइल, एक का नाम क्या रखा, चलिए index.html, ठीक है, एक का नाम रखा मैंने index1.html, एक का नाम मैंने क्या रखा, index2.html। अब इनका डिफॉल्ट लेबल चेक कर लो, स्लैश टीएमपी index1.html, इसका लेबल क्या देखो अभी, वही है ना, क्या है इसका लेबल,
ठीक है, टू का भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम है, अब कॉपी करते हैं, कॉपी किया स्लैश टीएमपी के अंदर, और कॉपी करके मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को कॉपी कर दिया, किस लोकेशन के अंदर, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, एचटीएमएल के अंदर, हो गया कॉपी। अब इसका चेक कर लो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, देखो इसमें इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल आपको मिल जाएगा, इसका लेबल चेक करो जब मैंने इसको कॉपी किया है तो। क्या दिख रहा है आपको, मैंने जब इसको कॉपी किया केवल इसका देखो क्या लेवल है, जबकि करंट में क्या था, यहां पे क्या था इसका लेवल, इसने जैसे वहां पे गया अपने आप को वैसे ही कॉपी कर लिया सेम टू सेम डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो ये डेस्टिनेशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसी चीज को, यहां से क्या कर दिया मैंने इसमें एम बी कर दिया इसी फाइल को। अब ये फाइल क्या है, फाइल नंबर कौन सी है, टू, दूसरी फाइल है ना आपकी। अब देखो यहां पर इस लोकेशन के अंदर आ जाओ, फाइल का नाम क्या है, चेंज है टू, ये क्या है, ये महाराज चेंज नहीं होने वाले, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। एम बी क्या करता है आपका, सेम रखता है आपका, क्योंकि पूरा का पूरा चीजें वहां से मूव हो जाती है, वहां पर रहती नहीं है, जैसा होगा सारी प्रॉपर्टी के साथ मूव होता है ये, क्योंकि मूव का क्या मतलब होता है, कट होना, कट का मतलब कि वो उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, जैसा है वो पूरा का पूरा कट होकर पेस्ट हो जाता है आपका, तो कट पेस्ट होता है बस ये केवल। कॉपी पेस्ट क्या होता है, वो डेस्टिनेशन के हिसाब से चेंज करता है अपने आप को। पहली चीज क्लियर होगी, ये हम कब करते हैं, सपोज आपने क्या किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज हम कब यूज होंगे, आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, प्रोग्राम कहाँ रखा था, आपने टेम्प टीएमपी में बना दिया, वही प्रोग्राम आपने फिर क्या कर दिया, सीधा सीधा मूव कर दिया कहाँ पर, वेयर लोकेशन के अंदर। अब वो प्रोग्राम खुल नहीं रहा नेटवर्क के थ्रू, तो क्या रीजन हो सकता है ना खुलने का, क्योंकि आपने हो सकता है कट कर दिया हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हम जब कॉपी कर रहे हैं तो क्या रीजन होगा और कट कर रहे हैं तो क्या होगा। आपने कुछ डेटाबेस की कोई फाइल बना ली, बनाई कहीं और मूव करके और आपने रख दी, ऐसा भी हो सकता है ना, ये डेटाबेस में तो खैर ऐसा नहीं होता है आपका, बट ज्यादातर हम कोई पेज बना रहे हैं या कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए बताऊंगा अभी आपको चेंज करना, तो ये ऐसा कभी हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सीपी में क्या होता है और मूव में क्या होता है, तो पहला डिफरेंस आपको पता चल गया। अब इसको चेंज कैसे करोगे, तो पहला आपको यहाँ पे अंतर बताया गया कि सीपी में और एमबी में क्या अंतर होता है इसमें। अब दूसरा क्या है इसमें, देखो अब इनको चेंज कैसे करेंगे, अब ऐसा चलो हो तो गया आपका कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको चेंज कैसे करोगे, तो आपको जब चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, एक छोटी सी कमांड होती है, ये देखिए कमांड लिखी हुई है यहां पर, ये दिख रहा है आप कमांड क्या लिखा है, रिस्टोर कौन कमांड होती है। अगर मैं क्या कर दूं उस लोकेशन में, अब कोई बंदा वहां पे आ तो गया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, रोज उसे पुश करूंगा, ऐसे नहीं यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक कमांड है कि जब कोई आ गया वहां पे मूव होकर के, तो उसको कैसे चेंज करोगे, अब देखो ध्यान से एक मिनट, अभी मैं केवल लोकेशन के हिसाब से चेंज करना बता रहा हूँ आपको, तो देखिए मैंने अभी कुछ चेंज, मैं आपको चेंज कैसे करते ये नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, केवल इस कमांड का यूज बता रहा हूँ। अभी देखिए आपने इसका लेबल चेक किया, तो क्या लेबल है देखो अभी इस पर, अब मैंने क्या किया, एक कमांड टाइप की रिस्टोर कौन हाइपन आर का मतलब रिकर्सिवली, आर का मतलब रिकर्सिवली, वी का मतलब वर्बोज मोड में, मतलब मुझे दिखे भी जब उसका लेबल चेंज हो जाए तो मुझे दिख जाए, तो ये रिस्टोर करने की कमांड होती है। लोकेशन के हिसाब से अगर मैंने रीलेबलिंग कर दी, इसको बोलते हैं रीलेबलिंग करना, हाउ टू रीलेबल द कॉन्टेक्स्ट, जो बाय डिफॉल्ट पहले से है वही लग जाए अपने आप ही, क्योंकि मैंने बताया था लोकेशन के हिसाब से पहले से सेट होता है, बट जब उसी रीलेबलिंग करते हैं, किसी ने मूव कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो आप इस कमांड से क्या कर सकते हैं, रीलेबल कर सकते हो। किस लोकेशन में रखा था मैंने इसको, वेयर के अंदर, कहां पर दिखाया है ना आपका ये, मैंने केवल एचटीएमएल भी कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको पूरा क्या कर देगा, ये
रीलेबल कर देगा। किस किस को किया इसने? एक तो मेरे पास कोई फाइल पहले से, देखो ये मैंने कॉपी नहीं की, ये हो सकता है पहले से मैंने किसी को मूव करके दिखाई हो कि यहाँ से मैंने मूव करके और रख दी, ऐसा हो सकता है ना, मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। तो देखो एक तो लेबल इस पर क्या था, पहले देखो इस पर लेबल क्या, देखो इसका एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी, क्या अब क्या हो गया इसका लेबल हो गया चेंज। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका वेब सर्वर कोई पेज एक्सेस नहीं हो रहा था, आपने क्या किया एक कमांड चलाई एक्सेस हो जाएगा आपका पेज। दूसरी चीज यहां देखो इसका क्या, देखो यूजर अंडरस्कोर टीएमपी अंडरस्कोर टी, ये तो डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, ये तो हमें पता था कि डिफॉल्ट अपने आप हो जाएगा। अब आपने कहा सर मैंने कभी लोकेशन चेंज कर दी, मैं तो किसी और डायरेक्टरी में काम कर रहा, मैं वेयर में नहीं काम कर रहा, तो कैसे लगाओगे? तो ये भी तो, ये तो डिफॉल्ट है पहले से पता है उसको, तो सिस्टम अपने आप क्या कर रहा है उसको रीलेबल कर ले रहा है। मुझे कैसे अप्लाई करना है, मैं भी तो अप्लाई करना आना चाहिए मुझे, सिस्टम ने कैसे काम किया होगा बैकग्राउंड में, कुछ तो प्रोसेस फॉलो की होगी, तो ये इसने बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस फॉलो की होगी ठीक है, जो मुझे दिखाई नहीं दी। अब मुझे ऐसा काम करना है जो मुझे दिखाई दे। अब देखो दोबारा से फिर चेक करो, देखो अब इसका लेबल क्या हो गया, देखिए अब आप ये नहीं कि बार बार कितनी बार बार भी क्या करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डिफॉल्ट वाला मोड था, वो चेंज वही मिलेगा आपको हमेशा, अब वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मूव कमांड का अपना एक लिमिट थी, उसने वो काम नहीं कर पाया, सीपी की अपनी लिमिट है, उसने वो काम कर दिया, तो कुछ तो फॉलो हुआ होगा, वही तो चीज हुई होगी कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली क्या चल जाता होगा, ये रिस्टोर वाली कमांड चल जाती होगी ना, कि जब सीपी करोगे तो ऑटोमेटिकली रिस्टोर वाली कमांड उसके साथ चलेगी, कुछ ऐसा फंक्शन होगा ना बैकग्राउंड में, कि जब आप सीपी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में और भी उसके साथ चीजें चलनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर रखा होगा सीपी के साथ, कोड में लिख रखा होगा ऐसा, समझ गए? अब देखो, अब मैं देखिए नेक्स्ट कमांड बताता हूं आपको, यहां पे देखिए अब, तो देखिए पहली चीज क्या देखिए आपकी, देखिए मैं चेंजिंग लिखा हुआ आपका यहां पर। अब हम इसमें थोड़ा सा कि कमांड होती है, कौन कौन सी कमांड होती है, ये वाली कमांड होती है, ध्यान रखना, ऐसी मैनेज कमांड से हम फाइल कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और रिस्टोर से क्या होता है आपका, रिस्टोर करते हैं, और तीसरी कमांड क्या होती है, सीएचकॉन। तीन कमांड के बारे में सीखेंगे यहाँ पे हम, पहली कमांड कौन सी, सीएचकॉन बताऊंगा आपको मैंने, फिर आपको बताऊंगा ये वाली कमांड क्या होती है, ये वाली कमांड मैं आपको अभी यूज करके दिखा चुका हूं कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है? तो एक एक करके इनको मैं आपको बताता चलता हूं। ये अलग कंसेप्ट है, सी एच कॉन अलग कंसेप्ट है, ठीक है? अब देखो मैं यहां से बता रहा हूं, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है? अब एक एक करके देखते चलना, एक मिनट एक काम करते हैं, मैं आपको साथ ही साथ ना चीजें दिखाता चलता हूं, तो आपको यहां पे जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये नोट्स मैंने इसके अच्छे बना दिए, तो नोट्स को सीधा सीधा फॉलो कर लोगे ना आप, तो भी आपके लिए ठीक है। देखिए ये सारे नोट्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, यही सेम चीज आपकी बुक में भी है, अब देखो एक बार इसका सेट हो जाए, अब देखिए थोड़ा रेडेड भी दिखना चाहिए नीचे। अब देखिए एम के डी आई आर स्लैश अंडरस्कोर, एक मैंने फोल्डर और बनाया, सबके नाम लिख देता हूँ, ये सब जो है कहेंगे सर मेरा नाम तो लिखा ही नहीं, तो अभी कोई भी बुरा मान सकता है भाई, ठीक है? अभी फिलहाल मैं ऑफलाइन वाले के नाम लिख रहा हूँ अनुराग, वो मैं लिखूंगा, मैं दूसरा बनाऊंगा ना उसके लिए, फिर दूसरा बना, अभी एक प्रैक्टिकल एक करूंगा, फिर दूसरा प्रैक्टिकल उनके नाम से करूंगा, तो अभी ऑफलाइन वालों के लिए। तो देखिए ये तीन फोल्डर बनाए, अब तीनों में मैं क्या करता हूँ, कुछ एक एक फाइल बना लेता हूँ, या केवल फोल्डर का ही देखते हैं। अभी देखिए स्लैश, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक फोल्डर लिया ये हाइपन डी, डी का मतलब डायरेक्टरी है,
चलिए, कुछ नेट का थोड़ा इशू हो गया था, कोई नहीं, आ गया हमारा नेट वापस। दीप, तो दीप अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट और है आपका अनुराग, तीनों का देखो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब यहां से इसको पूरा हटा देते हैं। हाइपन डी का मतलब डायरेक्टरी, डी का मतलब डायरेक्टरी, हाइपन जेड का मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट। सबका दिख रहा है, सबका सेम ही है। तो अब देखिए, कोई भी एक स्टूडेंट का लेकर के चलते हैं इसमें हम, इसका चेंज करना है कॉन्टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या दिखेगा आपका, ये देखने का प्रोसेस लिखा हुआ इसमें आपका। अब चेंज कैसे करोगे, कुछ नहीं, कमांड क्या होती है, chcon क्या है, कमांड है जिससे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो chcon कमांड से हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो हमारे पास कमांड है chcon, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है, जैसे कि मैंने हाइपन एल कर दिया लिस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। हाइपन हाइपन कितनी सारी, केवल हाइपन लगाओ, अच्छा इसमें चलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मतलब हिंट वाला कंसेप्ट नहीं है। हाइपन टी का मतलब होता है टाइप, आपको क्या चेंज करना है, टाइप चेंज करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि टाइप क्या रखना चाहते हो, सपोज छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा एल एस हाइपन एल, ठीक है, टी और जेड स्लैश वेयर, वेयर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर ये वाला चेक कर लेते हैं। तो मुझे कौन सा कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करना है, सपोज मान लिया ये वाला कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो ऐसे आप देख सकते हो किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट आपका जो प्री डिफाइंड होता है वो देख सकते हो, या उस प्रोसेस के अंदर जाओगे तो दिख जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर वो याद नहीं है तो, पर ना आप क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट को सर्च भी कर सकते हो। तो पहला काम किया गया हमने सी एच कॉन, हाइपन टी का मतलब टाइप, तो मैंने यहाँ पे लिखा एस टी टी पी डी, देखते चलो आगे, अंडरस्कोर एस वाई एस सिस अंडरस्कोर सी ओ एन टी ई एन टी कंटेंट और अंडरस्कोर टी, ये मुझे टाइप डिफाइन करना है। किसका डिफाइन करना है, इस पर्टिकुलर फाइल का, फाइल का नाम क्या है, सपोज मान लीजिए ये पर्टिकुलर फाइल है या फोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लैश करके हमने क्या किया, इस नाम से ले लिया, ठीक है, ये फोल्डर है, इसका डिफाइन करना है मुझे। अब देखते हैं डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करोगे, एल एस हाइपन एल डी जेड स्लैश ये, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिफाइन हो गया। और ध्यान रखना है सी एच कॉन डिफाइन तो कर देता है, बट ये टेम्परेरी है, ये कब तक रहेगा, अगर किसी ने आपके पूरे सिस्टम की रीलेबलिंग कर दी, या किसी इसी फोल्डर की क्या कर दी, किसी ने रीलेबलिंग कर दी, तो डिफॉल्ट में क्या था इसका, डिफॉल्ट में क्या था, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी था, वही हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, जस्ट टेम्परेरी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेरी है, अगर मैंने यहाँ पे कमांड चला दी, मैंने बताया था रीलेबलिंग करने के लिए कमांड क्या होती है, अगर ये कमांड चला दूंगा तो इसकी रील क्या कर देगा, रीलेबलिंग कर देगा, जो डिफॉल्ट में होता है ना, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट में क्या था इसका, डिफॉल्ट में स्लैश का क्या होता है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी तो होता है, तो वही डिफॉल्ट वाला क्या कर देगा, इस पर अप्लाई कर देगा। मैं इसमें हाइपन आर करके रिकर्सिवली और वी करता तो आपको दिख जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो गया होगा, देखो ध्यान से, अब इस पर क्या होगा डिफॉल्ट में आपका, ठीक है। दोबारा देखो एक चीज, दोबारा देखो यही चीज एक बार और देखो, अभी क्या है इस पर लेबल, और आपने इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि टेम्परेरी चेंज करता है, चेंज हो गया। अब आपको चेक करना है फिर दोबारा से, अब क्या हो गया देखिए इसका httpd_sys_content_t, तो चेंज कैसे करते हैं पता चल गया। कभी आपको किसी चीज का टेम्परेरी बेसिस पे चेंज करना है कहीं पे, परमानेंट नहीं करना, फिक्स जो था वही बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, रीलेबलिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अभी के लिए काम करना है, तो सबसे बेस्ट कमांड क्या है, chcon। अगर आपने इसमें ये वाली कमांड चला दी तो ये क्या कर देगा, जो पहले डिफॉल्ट में, क्योंकि स्लैश का पहले से प्री डिफाइन होता है, कैसे पता चला हमारा स्लैश का पहले से प्री डिफाइन होता है, चेक कर लो आप, स्लैश का बाय डिफॉल्ट क्या होता है देखिए, अच्छा इसके अंदर जाते तब डिफॉल्ट होता है, नाम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी होता है ना, बट स्लैश का ये है, इसके अकॉर्डिंग जैसे फाइल बनाओगे उसमें कुछ भी बनाओगे तो उसका वो चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये वाली कमांड टाइप कर दी, ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे बता रहा है क्या दिखा है आपका,
रीलेबलिंग कर देगा। ये कमांड किसके लिए होती है? यूज्ड फॉर द रीलेबलिंग द एसी लिनक्स कॉन्टेक्स्ट। कह रहा कि ये मेरे पास से क्या है, फोल्डर है बाय डिफॉल्ट, ये इस पर लेबल था अभी करंट का, अब क्या हो गया इसका, देखिए रीलेबलिंग डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी हो गया है, रीलेबल करके क्या हो गया इसका, क्यों हो गया। तो सीएस कॉल में ध्यान रखना है आपको, जैसे ही आपके सिस्टम की रीलेबलिंग हो जाएगी ये क्या कर देगा, कॉन्टेक्स्ट जो है चेंज कर देगा, समझ गए ना। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट ये कमांड है, कोई चेंज करना है आप इसमें कर सकते हो, जैसे क्या करोगे रिस्टोर कॉन्ट कमांड चलाओगे आपको ये क्या होगा, डिफॉल्ट कर देगा उसको। अब हमारा इसका सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट कैसे करना है इसको, तो इसके लिए कमांड होती है एसी मैनेज फाइल कॉन्टेक्स्ट, ये कमांड है, क्या कमांड है एसी मैनेज फाइल कॉन्टेक्स्ट, और इसको परमानेंट करने के लिए ये स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखनी पड़ती है, ये वाली स्क्रिप्ट देखो, ये वाली, ये आप जैसे क्या करोगे ये स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख दोगे वो चेंज कर देगा ये वाला। कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका कमांड क्या, देखो ये कमांड होती है ए से ऐड होता है, डी से डिलीट कर दो, एल से लिस्ट कर लो, तो ये पूरी कमांड है ये यहां तक, सो दिस इज द कमांड, ठीक है। अब कैसे चेंज करके आपका, देखो यहां पे दिखाया गया आपका चेंज करना, कि आप इसमें पहले लिस्ट करके देखो, लिस्ट करके आपको दिख जाएगा, फिर आप क्या करिए इसको चेंज कर लीजिए इसको आप, ठीक है ना, रिस्टोर करिए, तो इसमें डिफॉल्ट में जो भी आपने बनाया होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपका, ये सब रिस्टोर करके आपको दिखाया गया, केवल यहाँ पे दोबारा से क्या बनाया गया, एक डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या बनाया गया, एक फाइल, फाइल का चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या देगा उसमें कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट, तो अब क्या कर दो आप इसको चेंज करोगे, चेंज करने के लिए कमांड क्या है, ये वाली कमांड है, ए का मतलब ऐड करना, टी का मतलब टाइप ऐड करना, और टाइप में आपको एक टाइप पता होना चाहिए, हाँ ये टाइप कैसे पता होगा, क्योंकि उसी का मैंने बताया था कि एल एस आई एल डी जेड करके उसका देख लो उसमें डिफॉल्ट वाली लोकेशन का, और ऐसे करते हैं जैसे ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मैं कुछ भी बनाऊं अंदर, क्योंकि स्लैश का मतलब इसके अंदर, चाहे वो हिडन चीज हो, चाहे स्टार का मतलब क्या होता है ऑल, एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क मतलब होता है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका, उस पर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट क्या अप्लाई कर दोगे अपने आप। मैंने कहा कि इस लोकेशन के अंदर, मैंने कहा कि इस फोल्डर के अंदर कोई बंदा आए, जब मैं रीलेबलिंग कमांड चला दूं तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, ये लेना है। अब आप ये चीज देखोगे कैसे कि ये चीज कहां लिखी होती है, तो देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं, कमांड क्या है ऐसे मैनेज, क्या क्या मैनेज कर सकते हो, देखो पहला काम क्या है कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकते हो, दूसरा क्या है आपका पोर्ट मैनेज कर सकते हो, आपके कोर्स में दो ही चीजें हैं, पहला कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना, दूसरा पोर्ट को मैनेज करना, ठीक है। इंटरफेस, एक्सपोर्ट, बुलियन, ये अलग से कोर्स होता है, हार्डनिंग का पूरा कोर्स होता है, एसएलएस की सिक्योरिटी का पूरा कोर्स होता है, इसमें ये सारी चीजें आपकी आती है। अभी हम पूरा कोर्स नहीं कर रहे, थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट है कि एसएलएस क्या होता है, बहुत चीजें होती है देखिए किसी भी चीज में। अब देखिए मैंने क्या चेंज करना है, फाइल कॉन्टेक्स्ट, अब मुझे तो पता ही नहीं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो मैंने एल कर लिया, लिस्ट कर लिया, बहुत कुछ दिखा रहा है इसमें तो आपको, इसमें तो इतनी सारी चीज आ रही है आपकी, कैसे पता चलेगा आपको, इसमें से सर्च कर लो, किसको करो ग्रैब कर लो, तो थोड़ा सा मैं इसको साइज को बड़ा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ इसको फुल कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा दिख जाएगा, अब ग्रैब कर लो आप इसको, क्या ग्रैब करना है, एचटीटीपी का कॉन्टेक्स्ट ग्रैब करना है, आपको ये सब दिखा देगा। देखो ये पहले से आपके सिस्टम में प्री डिफाइंड दिख रहा है आपका, मैंने बताया था कि वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू एस टी एम एल क्या लगा हुआ है, देखिए पहले से इस पर लेबल लगा हुआ है, ठीक है ना, स्लैश, इसके अंदर कुछ बनाओगे, स्टार का मतलब, डॉट का मतलब कोई भी चीज हिडन हो सकती है, स्टार का मतलब एनीथिंग ऑल, स्टार का मतलब ऑल, इसका मतलब एनीथिंग, इसके अंदर अपलोड, अपलोड के अंदर भी जाओगे तो भी देखो लिखा है ना आपका, अपलोड के अंदर भी जाओगे तो यही आपका अप्लाई होगा, देखो ये पहले से प्री डिफाइंड है। और देखो हमारा मेन काम क्या है, ये वाला, हमें बस इससे समझना है कि इसके अंदर जब भी आप अप्लाई करोगे तो देखिए हमें यही तो मतलब है, देखो हमें कौन सा चेंज करना है, ये वाला, ये देखो पहले से प्री डिफाइंड है आपके सिस्टम में, ये पहले से क्या सिस्टम है आपका, जब प्री डिफाइंड है, तो ये इन्होंने जैसे प्री डिफाइंड कर रखा है उसी तरह से हम भी क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन चीजें क्या हो रही, चेंज हो रही है। जैसे सपोज
कि जब कोई बंदा इस पर्टिकुलर लोकेशन में आएगा, किस लोकेशन के अंदर, WW के अंदर, ओपन शिफ्ट के अंदर, ब्रोकर के अंदर, इसके फोल्डर के अंदर लॉग, उसे क्या चेक करने है, सिस्टम के लॉग चेक करने ना, तो लॉग के लिए देखो उन्होंने क्या बना रखा है, http://log_t, कि जिसके पास इस तरह का लेबल होगा मैच करेगा तो वो उस लॉग को चेक कर पाएगा, समझ गए, या उसके अंदर जो मैच नहीं करेगा तो उसको लॉग को चेक नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या है, दीज आर द लेबल, प्री डिफाइंड लेबल्स। तो जिस किसी को भी चेक करना है आप उसमें चेक कर लीजिए, मुझे किसी स्पेसिफिक का पता करना है, किसी भी चीज का स्पेसिफिक पता करना है तो मैं ऐसे देख सकते हैं, या सपोज मुझे देखना है स्लैश, मैंने हाइपन डब्ल्यू कर दिया स्लैश वेयर, और वेयर के अंदर www का चेक करना है, आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से चीजें निकाल सकते हो, देखो निकालने के प्रोसेस क्या है आपके, कई सारे हैं, क्योंकि सब कुछ यही है आपका। मैं थोड़ा सा और इसको देख लूं, इसके अंदर मैंने कहा HTML का बताइए, तो थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देगा, छोटा हो गया आपका, तो दिखा रहा है आपका कि ये सारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सारे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब हम चेंज कर लेते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे चेंज करोगे, तो आपके सामने देखिए दो फोल्डर बनाता हूँ, या एक फोल्डर बना लो, ठीक है, ऑनलाइन अंडरस्कोर, ठीक है। अब ये लोकेशन चेंज कर रहा हूं मैं, इसकी कहां बना रहा हूं इसको मैं, केवल स्लैश के अंदर, अब इस पर लेबल क्या होगा, ऑनलाइन पर स्लैश ऑनलाइन, क्या होगा लेबल इस पर, बाय डिफॉल्ट क्या लेबल होता है इस पर स्लैश पर, डिफॉल्ट ही होता है, हमेशा याद रखना स्लैश के अंदर कुछ भी बनाओगे हमेशा उसका क्या होगा, डिफॉल्ट होगा, ये प्री डिफाइंड है आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, मुझे इस पर लेबल चेंज करके क्या करना है आपका, मुझे इस पर चेंज करके लेबल किसका लगाना है, स्लैश वेयर के अंदर, www के अंदर ये वाला, ये लेबल मुझे इस पर अप्लाई करना है, क्योंकि मैं इसके अंदर वेब पेज स्टोर करना चाह रहा हूँ, और वेब पेज को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम पर एक वेब सर्वर डिजाइन करके उन पेजेस को एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, बट सिक्योरिटी रीजन से मैं उसको डिफॉल्ट लोकेशन में नहीं रखना हूँ, समझ गए, क्योंकि हर कोई कहाँ सर्च करेगा बाय डिफॉल्ट, इनको यहाँ पे सर्च करेगा ना, बट मैंने इसको कहीं और लोकेशन नहीं करेगा, लोकेशन आप ऐसी मैनेज कमांड, क्या चेंज करना है, फाइल का कॉन्टेक्स्ट, हाइपन ए का मतलब ऐड करना, हाइपन टी का मतलब टाइप ऐड करना, टाइप क्या है कुछ नहीं करना, आपको लिखना है httpd_, सामने देखते चलो लिखते चलो, sys_content और t का मतलब टाइप, किसके करना है आपको, स्लैश ऑनलाइन फोल्डर के लिए, ऑनलाइन फोल्डर ऐसी मैनेज फाइल कॉन्टेक्स्ट हाइपन ए, हाँ रिकॉर्डिंग चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा वो कॉपी हुआ नहीं, कहाँ गया आपका, ये यहाँ से इसको कॉपी कर लो पूरा यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दो इसको पेस्ट कर दो, अच्छा पेस्ट हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिंगल कोट लगाओगे आप यहाँ पर, अच्छा इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा इसमें, कंट्रोल शिफ्ट टी, एक नया टैब खोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा आपका, नहीं हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ
ये अब यहां से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। सिंगल कोट लगाओ, सिंगल कोट लगा के स्लैश क्या करना है आपका, ऑनलाइन फोल्डर का नाम लिखो, अंडरस्कोर मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा कि इस फोल्डर के अंदर, स्लैश का मतलब होता है इसके अंदर, डॉट स्टार लगा दो, ठीक है। और क्या करना है आपको, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसके बाद ये इसमें थोड़ी सी छोटी सी स्क्रिप्ट आपको याद रखनी, याद नहीं रखनी, सब कुछ पहले से याद, ठीक है ना। देखो ये देखा आपका, ये देखो डॉट, डॉट लगाया, स्टार लगाया, ये बस आपको यहां से कॉपी कर यहां पेस्ट कर दो, अगर आपको याद ना रहे तो। स्लैश का मतलब इसके अंदर, डॉट हेडिंग के लिए, स्टार मतलब ऑल एनीथिंग, इस पे क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, बस ये अप्लाई हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है अप्लाई होने में, ये हो गया जी। अब आप चेक कर लो ls-ldz/online-student, तो ये तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, पता ही कैसे चेंज होगा फिर, अब ये अभी तो चेंज नहीं हुआ ना। ये मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट में अब ये क्या हो गया, डिफॉल्ट में अब ये क्या होगा, http://sys_content_t। अगर मैं ये वाली कमांड चला दूं, रीलेबलिंग वाली, तो डिफॉल्ट में जो भी होगा अपने आप आ जाएगा। अब मैंने ये तो कहा कि आपको हमेशा अब क्या रहना है आपका ये, बट उसे रीलेबलिंग करनी पड़ेगी। chown के लिए रीलेबलिंग नहीं करनी पड़ती, वो टेम्परेरी होता है, तुरंत रन टाइम पे चेंज कर देता है। ये क्या करेगा, रीलेबलिंग करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए रीलेबलिंग मस्ट है। तो हाइपन आर लगाओ, वी लगाओ, स्लैश ऑनलाइन स्टूडेंट लिखो यहाँ पे आप। जैसे ही इसकी रीलेबलिंग करो, कह रहा कि डिफॉल्ट में पहले क्या था ये, अब क्या होगी इसी रीलेबलिंग होकर के ये। अब आप कितनी बार भी रीलेबलिंग कर लेना वही रहेगा, देखो चेंज हो गया। अब मैंने इसकी फिर रीलेबलिंग कर दी, तो अब तो रीलेबलिंग क्या वही है ना इसकी डिफॉल्ट में। अब इसमें जितने फोल्डर्स बनाओगे आप, फाइल बनाओगे इसके अंदर, उसका क्या रहेगा हमेशा ये। अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, एक वेब पेज डिजाइन किया, वेब पेज के अंदर मैंने क्या लिखा, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इस वेब पेज को मैंने कहाँ रख दिया, स्लैश ऑनलाइन स्टूडेंट वाली फोल्डर में रख दिया, फाइल में कुछ गलत हो गया, index.html बना, index.html फॉर्मेट में मैंने क्या किया, डिजाइन कर लिया इसको, हो गया। कैट करके देखो, स्लैश ऑनलाइन स्टूडेंट के अंदर क्या index.html है, दिख रहा है इसके अंदर कुछ है लिखा हुआ आपका। अब ls करके देखो इसमें, ls-lz, अभी कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया अपने आप ही, क्या मैंने चेंज किया इसका। अब डिफॉल्ट में क्या मिल रहा है इसको, डिफॉल्ट underscore t नहीं मिल रहा। कोई भी चीज मैं बनाता जाऊंगा इसके अंदर, अगर किसी ने मूव कर दिया इसको बाय डिफॉल्ट, अगर किसी ने वेब पेज को मूव कर दिया तो क्या करोगे, कौन सी कमांड चलाओगे। अगर किसी ने मूव कर दिया तो केवल इतना करेंगे, क्या कर देना आप, ये सपोज एक छोटा सा दिखा देता हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है, ये फाइल कहाँ रखी है, स्लैश के अंदर कोई फाइल बनी है, स्लैश के अंदर कोई फाइल है क्या, ये तो फोल्डर होगा, कोई फाइल देख रहा हूँ, फाइल होनी चाहिए, ये देख रहा ना कोई फाइल, देखो ये फाइल बनाई थी मैंने, एक फाइल बनाई थी मैंने, देखो दिखा देता हूँ आपको इस नाम से, ये फाइल है कि नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ, -lz, इसका मैं आपको फाइल का दिखाता हूँ, ls, क्या है देखो इसका, क्योंकि ये मैंने कहीं से मूव की होगी ना, etc से मूव की होगी या कहीं से मूव की हो, तो इसका बाई डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है देखो इसका, etc_runtime_t, यही है ना इसका, अलग है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मूव किया किसको, इस फाइल को, किसके अंदर, स्लैश ऑनलाइन स्टूडेंट के अंदर मूव कर दिया। अब दोबारा देखो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया होगा, मैंने इसमें चेक किया ls-lz, फाइल का नाम क्या था, अभी भी इसका क्या, देखो अब इसका क्या है, देख रहा है चेंज तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना चेंज। अगर मैंने कोई वेब पेज मूव कर दिया उसके अंदर, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट होगा वही ले लेगा, बट इसमें यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ उसमें क्या रीजन है।
sclinux_file1, ठीक है। अब क्या कमांड चलाओ, मैंने बताया था ये वाली कमांड चलानी है आपको, कौन सी कमांड, रिस्टोर कौन वाली, रिस्टोर कौन, हाइपन आर का मतलब रिकर्सिवली, वी का मतलब वर्बोज मोड में, स्लैश ऑनलाइन पे करो, तो ये बता रहा है कि पहले क्या था, देखो यही तो था इसमें दिखाया था आपका, अब क्या हो गया इसका अपने आप ही ऐसा। कभी भी आप वेब पेज कहीं बनाया आपने टेम्प में, आपको काम करना था टेम्प में काम करना था, तो टेम्प का जब वहां से मूव करोगे तो कॉन्टेक्स्ट क्या जाएगा उसका, टेम्प का जाएगा ना, क्योंकि आप वहां से उसको हटा कर कट करके वहां पेस्ट कर रहे हो उसको, तो जो डिफॉल्ट होगा तो वो कट होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट जाएगा। और केवल क्या करना है आपको बस केवल, तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कॉन्टेक्स्ट पहले से अप्लाई होता है, बस आपको ये कमांड चलानी होती है, बस ये वाली कमांड, बस इससे आपका पूरा काम हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, रीलेबलिंग करने के लिए होता है। तो देखिए हमने तीन कमांड सीखी, पहला कौन सा, ये टेम्परेरी बेसिस पे क्या होता है, एसी लिनक्स के क्या करता है, क्या चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, टेम्परेरी बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर। इसी चीज को रीलेबलिंग करने के लिए, रीलेबल करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, restore, restore con, context। एक कमांड क्या था बस आपका, ये वाला ऐसी मैनेज कमांड थी, ऐसी manage मैनेज, उसके बाद फाइल context context, ये कमांड होती है। अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो पोर्ट लिख दो, क्योंकि अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, मैं एक चैप्टर और बचा है इसका पोर्ट वाला, वो पढ़ाऊंगा इसमें। यहां तक कोई डाउट आपको, किसी को भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी, सो दिस इज द होल कंसेप्ट दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बताइए, ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने आप करके देखा, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो यहां पे सब मैंने वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, यहां तक ये बुलियन में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैंने ये वाला छोड़ दिया, इसमें ये छोटा सा काम बचा है बुलियन, ये बताऊंगा अभी आपको, केवल ये वाला कंसेप्ट बचा है पूरे चैप्टर के अंदर, बुलियन वाला कंसेप्ट, ठीक है। और ये तो मॉनिटरिंग वाला है, ये बताऊंगा अभी आपको, ट्रबल शूटिंग का छोटा सा कंसेप्ट और है आपका, ये भी बताऊंगा अभी आपको, चलो मैं इसी को बताऊंगा इसके बाद, यहां से बताऊंगा, यहां तक बताइए किसी को डाउट हो तो। ऑफ टॉपिक, चलिए ठीक है, आप मुझसे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है, आपको मुझे बता दूंगा मैं आपको। चलिए यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट और देखो बस लास्ट में चलते चलते, वैसे तो ये वाला थोड़ा सा देखिए, ये होता है इन्वेस्टिगेटिंग करना, इसको मैं फुल कर देता हूं, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, ये बस वही लिखी हुई है कि जब कोई आपका वेब पेज डिजाइन कर रहे हो तो ये सारी चीजें वही बता रहा है कि इसका ये रहेगा बुलियन, ये सब कुछ इन्होंने इसमें बताया हुआ है, ये सब ट्रबल शूटिंग के लिए बताया गया आपका, तो ये सब पढ़ना आप इसको, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ बस आपको, ये देखिए, ये बस इन्होंने बस इसमें क्या समझाया प्रैक्टिकल के अंदर, ये बताया है वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है, देख रहे हैं आपका फाइल, छोटा सा एक प्रैक्टिकल है आपका, देख लो, ये फाइल क्रिएट की है, फाइल का नाम क्या रखा है इन्होंने, देखिए ये बुक का ही कंसेप्ट है सीधा सीधा, ठीक है। इस फाइल को पहले क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे मूव कर दिया, मूव करके क्या किया, एचटीटीपी की सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है, रिस्टार्ट करके कर्ल करके देखा तो क्या ये फाइल खुल रही है, देखो यहाँ पे एरर आ गया, कौन सा एरर आ गया, 403, 403 जो एरर होता है वो क्या करता है, परमिशन के लिए होता है, 403 इसमें परमिशन नहीं है आपको इसे, तो क्या बता रहा है, फॉरबिडन। दूसरा इसमें क्या किया गया, प्रैक्टिकल में दिखाया गया आपको, रिस्टोर कौन कर दो, मैं बता चुका हूँ इस चीज को भी, तो बाई डिफॉल्ट इसका क्या, देखो ये कॉन्टेक्स्ट था इसलिए उस फाइल को वो एसएलएस पढ़ नहीं पा रहा था, एसएलएस उसको जब नहीं पढ़ेगा, सेम नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा तो क्या कर देगा, उसको डिनाइड कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा वहीं पे उस चीज को, ठीक है। कि जब भी आपके नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर
प्रोग्राम के अंदर कोई भी वॉयलेशन होता है तो नेटवर्क में जब वॉयलेशन अकर होगा, वॉयलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसे ओपन करो, ओपन हो गई, बस एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग करके आपको ये दिखाया गया इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते, इसमें इतना इसमें दिखाया गया, छोटा सा प्रैक्टिकल देख लो आप इस चीज को सेम। तो देखिए मैंने आपके सामने अभी एक क्या किया, कुछ बनाया पेज, ठीक है। उसको पेज को देखिए, अभी मैं देखता हूँ ls, अभी देखिए मैं rm करता हूँ, rm-rvf/where के अंदर, www के अंदर, html के अंदर, जो कुछ भी होगा ना के अंदर सब कुछ रिमूव कर दो, इतनी सारी चीज पड़ी हुई थी इसमें, ठीक है। मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ इको करके, मैंने इसमें क्या लिखा, दिस इज माई टेस्टिंग वेब पेज, ठीक है। इस वेब पेज को मैंने अभी फिलहाल के लिए कहाँ रख दिया, अपने टीएमपी के अंदर रख दिया, कहाँ रख दिया, टीएमपी के अंदर, किस नाम से, index.html, ठीक है। अब मैं कैट करता हूँ /tmp के अंदर index.html, क्या लिखा है इसके अंदर, ये लिखा है। अब मैंने इसको क्या किया, यहां से मूव कर दिया इसको, कहां से, /tmp के अंदर से index.html को, और कहां पर मूव कर दिया, /where के अंदर, www के अंदर, html के अंदर। अब कर्ल करके इसको मैं ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे सिस्टम में वेब सर्वर का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेता हूं, emlist.httpd, ठीक है, देख लेते हैं इसमें, देखिए पहले से, अच्छा अच्छा सिस्टम तो वही है, ठीक है। मैं काम करता हूँ mount/dev के अंदर SR0, मेरे सिस्टम में अभी EM नहीं है, अभी EM तो है, SR0 को /mount करके RHEL के अंदर रखना है, तो वो मेरा काम करने लग जाएगा, क्योंकि वो माउंट करके मैंने वो वाला प्रोसेस यूज किया है। अब देखिए इसी को मैं दोबारा से चला रहा हूँ, देखिए मेरे पास पहले से क्या है, बता रहा है इंस्टॉल्ड है। सर्विस को चेक करने के लिए कमांड क्या होता है, मैं पहले से पता है, इसमें जितनी कमांड मैंने यूज किया सब आपको पता है पहले से, अभी मैंने कोई भी पर्टिकुलर कमांड ऐसी नहीं चलाई जो आपको नहीं पता है। सिस्टम CTL स्टेटस कौन सा, httpd.service, सर्विस क्या दिखा रहा है आपके यहाँ पे, एक्टिव, क्योंकि मेरे पास पहले से इसमें थी। अगर एक्टिव नहीं होती तो क्या करते आप, पहली चीज क्या करते हैं, आप इसको स्टार्ट करते हैं, पहला काम क्या करो, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो पहला काम क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यम का पूरा प्रैक्टिकल हो गया, यम बना लोगे अपने सिस्टम पर, अभी तक किसी ने बनाया नहीं होगा ना, क्या जरूरत है। जितने कैंडिडेट मुझसे पढ़ रहे हैं अभी, किस किस ने यम बना लिया है, इतना बताइए ईमानदारी से कि किसने अपने सिस्टम पर यम बना करके चेक किया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कब करोगे, ये प्रैक्टिकल तो जब कर सकते हो ना, जब आपके सिस्टम पर यम बना होगा, तो ये प्रैक्टिकल तो आप घर पर कर ही नहीं सकते हो, बताइए। एक एक करके मैं नाम लेके बोलता हूँ, वैसे तो आप मुझे पता है बोलोगे नहीं, हाँ जी दीपक बनाया आपने, चलिए आप नहीं बोल रहे इसका मतलब नहीं बनाया होगा। दीप ज्योति रॉय बनाया आपने, नहीं। गीतू आपने बनाया यम अपने सिस्टम पर, नहीं। देखिए आंसर भी किसी का नहीं आया। कुछ दीप आपने बनाया, चलिए। अनुराग मिश्रा, रवि बनाया किसी ने, नहीं। किसी का आंसर अभी यस नहीं आया अभी तक, चलिए अच्छी बात है, ऐसे काम करना है आपको, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो अच्छी रहेगा। स्टार्ट कर लोगे, स्टार्ट करके आप क्या करोगे, एक काम और कर लोगे अपने सिस्टम पर, अगर आपको करना है तो इनेबल और कर देना, क्या कर दोगे आप उसको, इनेबल। मेरे पास पहले से इनेबल नहीं था, अब स्टेटस देखना आप, या एक अच्छी कमांड देखना, इज एक्टिव, बस इतना कर लेना, एक्टिव शॉर्ट में दिख जाएगा आपका, बस यहाँ पे एक्टिव आना चाहिए, एक्टिव है आपका। अब देखिए अब आपको क्या करना है, कर्ल करना, curl, कर्ल, कर्ल करके, कर्ल क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है आपका, ओपन करने के लिए कमांड लाइन के थ्रू, http लिखा आपने इसमें कॉलन, ये आपका वेब पेज कहाँ रखा है आपका, वेब पेज कहाँ रखा है आपका, देखिए ये देखो यहाँ पर दोबारा देख लो इस चीज को, तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, कर्ल करके
आपके सिस्टम पर रखा है तो क्या लिखा है यहाँ पर, लोकल होस्ट के अंदर एक फाइल है, फाइल का नाम क्या है ये, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाल दूंगा, ठीक है ये, तो लोकल होस्ट क्योंकि नेटवर्क से एक्सेस करने के लिए अपने सिस्टम को खुद को एक्सेस करना है, मेरे खुद के सिस्टम पर मैंने कुछ डिजाइन किया है, ठीक है कितना कर दिया, तो ये आपको टेस्ट पेज क्या कर रहा है दिखा रहा है, पर मुझे फाइल कौन सी ओपन करनी है इसमें से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अच्छा इसमें इसने दिखा दिया क्योंकि उसने उसको चेंज कर लिया कि अपने आप ही, एक बार मैं देख लेता हूं ls-ld/where के अंदर www के अंदर html के अंदर index.html, अच्छा अभी मूव तो हुआ नहीं इसने, अच्छा देखिए get enforce एक कमांड चलाओ enforce, पहले मुझे देखना भी तो है कि मेरा सिस्टम का मोड कौन सा है, अब मोड भी सही है आपका, अच्छा सर्विस को मैंने रिस्टार्ट किया है, एक बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक एरर आना चाहिए था, कर्ल एचटीटीपी ये खुल रहा है जबकि एरर में क्या आना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, एक मिनट देखते हैं, इसके बाद तो खुल जाना चाहिए, बिना पहले उसके नहीं खुलेगा, आपने यहाँ पे क्या किया लोकल होस्ट किया और मूव कर दिया इसको, कहीं से भी मूव करो उसे कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करके आपने यहाँ पे ये किया, एरर जो आना चाहिए वो नहीं आया इसमें, एरर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो इसमें ये दिखा नहीं रहा है, बाय डिफॉल्ट ये पेज खुलना नहीं चाहिए क्योंकि इसका सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट क्या है अभी ये है, क्योंकि जब तक इस पर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से हटेगा नहीं, ये वाला ये नहीं होना चाहिए आपका, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ यहाँ से ब्राउजर के थ्रू, लोकल होस्ट index.html, बट ये खुल रहा है, खुल आपका ये पेज खुलना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये कब खुलना चाहिए, जब मैं इसका क्या कर दूं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दूं तब खुलना चाहिए इसको, जब मैं इसमें क्या करूंगा रिस्टोर कौन कमांड चला दूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया html के अंदर आया और इसके अंदर जब ये कमांड चलेगी तब खुलना चाहिए, रिस्टोर कौन -r कैपिटल में हुई, जब ये कमांड चला दोगे अब देखो क्या हो गया इसका, जो कॉन्टेक्स्ट पहले क्या था टीएमपी का था, अब क्या हो गया ये तो खुल जाना चाहिए आपका, उसके बाद इसको आप ओपन करोगे तो खुलना चाहिए था क्योंकि पहले ही खुल रहा है, ये थोड़ा गलत है देखना इसमें, बट ऐसा खुलेगा नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा इसको, ठीक है क्योंकि दूसरे सिस्टम पर मेरे पास अभी यम नहीं बना, मैंने आपको यहाँ पे चेक करा देता, ठीक है चलो कोई नहीं, इनको करके देखना, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है बुलियन वाला जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है चलिए आज इतना ही करते हैं फिर, ठीक है चलो बाय।